Oh yeah. आइए आइए जल्दी आइए बैठिए आज पेपर फोर के कुछ प्रश्न हमें दिए गए हैं आपके साथ चर्चा करने के लिए सारे प्रश्न ही हैं कुछ प्रश्न हैं एक एक करके उन प्रश्नों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे आ, वो ले लीजिए हस्ता वो ले लीजिए और पीछे बढ़ा दीजिएगा उनको भी करना हो आप में से अधिकांश लोग इसके पहले वाले क्लास में भी शायद मेरे साथ थे नहीं ये एक मौका रहता है जब मिलन हो जाता है नहीं ठीक है आप में से कितने लोगों ने परीक्षा दी है इस साल किसी ने नहीं ये भी अच्छी बात है आ, अच्छा कितने लोगों ने प्रश्न पत्र देखा है केवल देखने को कह रहा हूँ मैं कोई टेस्ट वगैरह नहीं है अच्छा ये डर रहे थे कि कहीं बोल दिया कि देखा है देखा है आपने अच्छा तो अगर आप साझा करना चाहें जिन्होंने भी प्रश्न देखा है उनको कैसा लगा प्रश्न यानी उनकी जो प्रतिक्रिया होती है या जो प्रश्न को देख करके एक कुछ भी समझ में आया हो कि कैसा प्रश्न है आप में से कोई साझा करना चाहेगा कोई कोई नहीं चाहेगा आप चाहेंगे हम बताएं। चाहें चाहें। और और उसके साथ साथ पर्यावरण परिवर्तन जैसी चुनौतियों को करंट अफेयर से लिंक कर कर के नैतिक मुद्दों के विषय में उसमें प्रश्न रखा गया था मुझे जहाँ तक समझ में आया ठीक है।, है और कोई बोलना चाहेंगे प्रश्न पत्र देखने से कैसा लगा? हाँ बोलो बेटा ह थोड़ा लेंदी लग रहा है ठीक है और भी कोई और कोई समय पर आया करें आप लोग हाँ क्लास का मतलब क्लास है ना जब 11 बजे बोला गया है तो 11 बजे ही आ जाए और आज तो नैतिकता पर चर्चा कर रहे हैं <laughs> तो प्रश्न लेंदी लगा और बाकी लोग कुछ नहीं बताना चाहेंगे पेपर ये पेपर तो हमेशा ठीक रहता है आपकी प्रतिक्रिया क्या रही पेपर में कहाँ अच्छा लगा बुरा लगा या सब ठीक ठाक था हाँ जैसे आपके मित्र ने भी कहा कि पेपर लेंदी था फिर उन्होंने कहा कुछ शब्दों का ज्यादा कठिन शब्द या जटिल शब्द थे ऐसा आपको लगा कि नहीं उनके अनुसार उनको जो लगा अच्छा लगा मन लगा आ, पेपर नहीं रखे हो वो तो अच्छी बात है हाँ। बेटा पीछे दे दो आप लोग हस्ताक्षर कर दिए जल्दी जल्दी करके पीछे दे दीजिए वो पीछे आ रहे हैं लोग तो समय पर आना जो है क्या करें हाँ प्रणाम, हाँ? प्रणाम ओ हो हाँ। मेरी गलती है मैं समय पर आ गया <laughs> देखो हर पेपर का जब विश्लेषण हम लोग करते हैं और जो लोग और भी विश्लेषणों में शामिल थे उसमें प्रश्न लेकर के प्रश्नों का उत्तर क्या होता है दिया जा सकता है लेकिन एक कोशिश उत्तर लेने या देने की नहीं होनी चाहिए क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में उत्तर मेरा एकाधिकार नहीं है उत्तर हर जगह पर उपलब्ध है अगर मैं उत्तर न दूं तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है संभवतः आप उत्तर लेकर भी आए हों, यह भी हो सकता है जैसे अभी आपके मित्र ने दिखाया धमकाया कि मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जैसे कभी कहा गया था मेरे पास मां है इनके पास क्वेश्चन पेपर है इन्होंने धमकाया मुझे कि क्या समझते हो मैं तैयार हो क्या है? तो प्रश्न पत्र होगा तो उत्तर भी होगा नहीं आपको नहीं कह रहा बहुत सारे चैनल हैं उत्तर प्राप्ति के छिपा हुआ तो है नहीं लेकिन मुझे ऐसा लगता है और आ, मैं अपने मंच से हमेशा इस बात को आपके सामने रखता हूं जब भी आप क्लास में मुखातिब होते हैं मेरे सामने कुछ पुराने लोग बैठे हुए हैं इसमें उनको शायद मालूम होगा कि यह पेपर किसी विद्यार्थी की बुद्धि का परीक्षण नहीं है बल्कि उसके व्यक्तित्व का परीक्षण है यह पेपर किसी तथाकथित करंट का पेपर नहीं है तथा कथित में इसलिए बोल रहा हूं कि करंट केवल विषय से संबंधित होता है करंट अपने आप में कोई विषय होता ही नहीं एक सभ्य इंसान के लिए एक जागरूक इंसान के लिए परिवार से लेकर विश्व तक या अगर तुकबंदी में बात करूं तो परिवार से लेकर पृथ्वी तक घट रही घटनाओं की एक सामान्य समझ उसके पास होनी चाहिए क्योंकि जब वह परिवार में अपनी भूमिका निभाता है तो वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विश्व को प्रभावित करता है ठीक उसी तरह से जैसे किसी नदी के स्रोत से निकला हुआ पानी सागर तक जाने में समय लेता है परिवार में किया गया कर्म पृथ्वी को प्रभावित करता है उसका छोटा सा उदाहरण दे दूं जब आप अपने परिवार से निकले हुए प्रतिदिन के कचड़े को रोड पर फेंकते हो तो पर्यावरण प्रदूषण के रूप में यह वैश्विक समस्या बनती है उसमें आपका भी योगदान है अपने व्यक्तित्व का विश्लेषण और अपने व्यक्तित्व का परीक्षण करने की आवश्यकता है आपके मित्र ने कहा कि करंट बेस्ड प्रश्न आए हैं सही कहा उन्होंने यूक्रेन का युद्ध है सीरिया का युद्ध है लेबनान का युद्ध है गाजा का युद्ध है इसराइल का युद्ध है मौजूदा समय में ईरान का युद्ध चल रहा है ईरान को समाप्त करने का चुनौती और चेतावनी दी गई है यह युद्ध है आप इसको करंट कहते हो युद्ध तो महाभारत भी था वह तो करंट नहीं है हमें युद्ध की नैतिकता समझनी है इज़राइल के युद्ध की नहीं आपके प्रश्न पत्र में इज़राइल नहीं लिखा गया है आपके प्रश्न पत्र में यूक्रेन नहीं लिखा गया है युद्ध एक मुद्दा है हाल की घटनाओं का संदर्भ है मुद्दा तो युद्ध है संदर्भ है हाल की घटनाएं जब हम युद्ध का विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं होंगे तो हाल की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में उसकी औचित्यता सिद्ध करने में समस्या उत्पन्न होगी हमें तो युद्ध की औचित्यता पहले समझनी हमें तो पहले युद्ध की प्रासंगिकता समझनी है हमें तो पहले युद्ध के न्यायोचित तो होने और न होने का निर्धारण करना है और यह निर्धारण तब होता है जब हम युद्ध की विभिषिका और युद्ध की प्रकृति और उसके प्रवेश को प्रकृति और उसके परिवेश को समझने का प्रयास करते हैं तब तक जब तक हम उस युद्ध को नहीं समझते तब तक यह समझने में समस्या उत्पन्न होगी कि, कि किसको हमने धर्म युद्ध कहा और वह धर्म क्या है सुना होगा आप लोगों ने किसी ने धर्म युद्ध भी कहा वह धर्म युद्ध क्या है वह धर्म क्या है और धर्म कौन सा ऐसा है जिसमें करोड़ों की मृत्यु का समर्थन होता है वह कौन सा धर्म है यह समझने की आवश्यकता है ठीक इसी तरह से यह मत रखा गया यह विचार रखा गया जो सही रखा गया कि जब आप पूरे देश में पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्या बढ़ रही है तो हम एनवायरमेंटल एथिक्स पढ़ते हैं यानी पर्यावरणीय शास्त्र एक चैप्टर होता है एक वर्ग होता है नीति शास्त्र का और उसी में आधुनिक बातें भी पढ़ी जाती अगर हमें पर्यावरण नीति शास्त्र यानी कि एन्वायरमेंटल एथ, एथिक्स की जानकारी ना हो तो हम समय पर निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होंगे और फिर प्रदूषण बढ़ेगा और जब तक प्रदूषण बढ़ता रहेगा तब तब व्यवधान उत्पन्न होता रहेगा चाहे वह वायु प्रदूषण हो ध्वनि प्रदूषण हो जैसा भी हुआ प्रदूषण होगा उस प्रदूषण को आप करंट कह सकते हैं लेकिन उस प्रदूषण का कारण इतिहास है उस इतिहास को समझे बगैर वर्तमान को नहीं समझ सकते कि विलंब क्यों हुआ हमने इतिहास में कभी समय को नहीं समझा तो वर्तमान में भी विलंब होगा भोजन अनिवार्य है तो यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप प्रश्न को देखोगे तो आप प्रश्न को उसकी संपूर्णता में समझने का प्रयास करो और प्रश्न की प्राप्ति के पहले अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण स्वरूप को जब जानने का प्रयास करोगे तो उस प्रश्न के साथ न्यायोचित व्यवहार कर पाओगे अन्यथा जिस प्रकार इस वर्ष परीक्षा देने वालों ने संघर्ष किया है दो तरह के संघर्ष किए हैं बच्चों ने इस बार आपके मित्र ने कहा मॉडरेट है उन्होंने कहा कोई समस्या ही नहीं है सत्तर प्रतिशत से ज्यादा बच्चों ने कहा कि समय की कमी इसमें देखी गई परीक्षा हॉल से बाहर रहने पर कोई समस्या नहीं नजर आती इसमें हर प्रश्न लंबा है केस स्टडी में दिए गए प्रश्न अनपेक्षित तरीके से लंबे हैं जो अलग से आप पढ़ेंगे आपको तीन घंटा लिखने को दिया जाता है पढ़ने को नहीं लेकिन आपको पढ़ने का समय निकालना होता है अपने आप को केंद्रीकृत करना होता है सर्वोत्तम उत्तर खोज करके उसका प्रारूप तैयार करना होता है और तब लिखना होता है इसमें लगने वाला समय उस तीन घंटे में ही खोजना पड़ता है इस बार के प्रश्न की खासियत यह है मेरे लिए बहुत सरल है यहां से बोल देना प्रश्न में कोई दम नहीं है जितने प्रश्न मेरे सामने हैं सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकता हूं घमंड की बात नहीं कर रहा हूं मैं आप भी दे सकते लेकिन उस निर्धारित तीन घंटे में प्रश्न को पढ़ करके सही समय पर आकर के उत्तर लिखने में समस्या होती शामिल सभी हो जाएंगे जो समय पर आए जो असमय पर आए सब इस प्रश्न पत्र में शामिल क्योंकि यह प्रश्न पत्र व्यक्तित्व का है और जब आप उस व्यक्तित्व का परीक्षण करते हो तो आपको इस विषय के सैद्धांतिक पहलुओं के साथ उसके व्यवहारिक पहलुओं को समझना आवश्यक हो जाता है और तब आप उत्तर दे सकते हो जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न में या उन प्रश्नों में प्रश्न छोटा है लेकिन वाक्य बड़े बड़े ऐसे प्रश्नों की मांग यह होती है कि प्रश्न के आने तक आप पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें अन्यथा प्रश्न छोड़ करके जो कथन दिया गया है उत्तर उसी का हो जाता है क्योंकि कथन पहले होता है कि बाद में पहले होता है और हम कथन की ही व्याख्या कर देते हैं उत्तर तक पहुंचते नहीं है कहां पर ऐसा प्रश्न है वो भी आपके सामने मैं रखूंगा तो यह जो प्रश्न पत्र है यह सिद्धांत की दृष्टि से कठिन नहीं है लेकिन व्यवहार की दृष्टि से तीन घंटे में उत्तर लिखने की दृष्टि से लेंदी है इसमें पढ़ने की क्षमता इतनी होनी चाहिए कि जल्दी जल्दी पढ़ें ध्यान से पढ़ें और एक बार में पढ़कर वह याद रखें कि पूछा क्या जा रहा है यह एक चुनौती है और यह चुनौती भी प्रश्न को कठिन कर देती है क्योंकि आता हुआ प्रश्न भी अगर छूट जाता हो तो वह गलत ही माना जाता है क्योंकि नंबर तो उस पर मिलेगा नहीं ठीक है ना तो इसलिए मैंने आपसे पूछा था कि आप पहले प्रश्न को समझते कैसे हो किस रूप में समझे हो यह जानो और रिपीट कर दे रहा हूं प्रश्न आपके व्यक्तित्व का परिचायक है आप किस तरह से चिंतन करते हो कैसे सोचते हो कैसे उस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो यह आपके व्यक्तित्व तो पर निर्भर करता है और व्यक्तित्व तो आपके सिद्धांत को जब आपके व्यवहार से जोड़ता है तो आपकी वास्तविकता सामने आती है पढ़ाई सिद्धांतों की होती है और उन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की जो कला है जिसको आप अंग्रेजी में एप्लीकेबिलिटी बोलते हो वह जितनी गुणात्मक होगी वह जितनी कलात्मक होगी आप उत्तर को उतना बढ़िया करने में कामयाब हो जाओगे इसी को ध्यान में रखकर जो दिए गए प्रश्न हैं, मैं उनके साथ आपकी चर्चा अपनी चर्चा आपके साथ कर रहा हूं और यह हम उम्मीद ना करें कि मैं एक एक प्रश्न यहां पर लिखूंगा और उसका उत्तर भी लिखूंगा डेढ़ डेढ़ सौ शब्द ऐसा होगा नहीं लेकिन उसमें करना क्या है और क्यों करना है मैं इसकी चर्चा अवश्य आपके साथ करूंगा ठीक है ना तो इसमें पहला प्रश्न आपके लिए रख रहा हूं अब देखो जैसा बोला था एक ही प्रश्न कितने का है देख रहे हो ना लिखना है डेढ़ सौ शब्द में और तीस पैंतीस शब्द का प्रश्न है यानी अगर प्रश्न भी लिखोगे समझ गया ना तो तीस पैंतीस शब्द तो प्रश्न लंबा है अब इसमें हमें समझना क्या है कहां से मुद्दों को लेना है यह देखिए कहा गया कि शांति के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है यानी भाषण देना पर्याप्त नहीं है हम धन्य हुए हाँ आइए कुछ लेके नहीं आए खाली हाथ है अच्छा नीति है। तो शांति के बारे में बात करना ही पर्याप्त नहीं है देखिए यहीं से शुरू हो गया कि भाषण देना पर्याप्त नहीं है इस भाषा में बोल करके कुछ समझाना चाह रहा हूं समझ लीजिएगा कि सामान्य तौर पर हमारा व्यक्तित्व तो क्या होता है भाषण देना हम बोलते बहुत हैं गाड़ी दो मिनट लेट आ जाए बहुत लेट गाड़ी चल रही है हम चार मिनट भी लेट हो जाए क्या अंतर पड़ता है गाड़ी समय पर आए हम भले एक घंटा लेट क्या लिखा हुआ है समझो शांति के बारे में केवल बात करना ही पर्याप्त नहीं है इस पर विश्वास करना चाहिए और इस पर केवल विश्वास करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि काम करना चाहिए अब देखो जब बात करते हैं तो सिद्धांत है या व्यवहार है सिद्धांत है हमें करना क्या है व्यवहार और व्यवहार क्या है काम करना चाहिए भाषण नहीं देना है समय पर आना है काम समय पर होना चाहिए कल करे आज कर हम यहां तो परसों कर रहे हैं तो केवल पढ़े हैं यहां देखो क्या बोल रहा है कि केवल बात मत करो हम शांति प्रिय लोग हैं इससे क्या होगा हम शांति का समर्थन करते हैं तो इससे क्या होगा हमें उसके अनुसार काम करना चाहिए विरोध करो इज़राइल का अगर वो गलत है तो विरोध करो रूस का अगर वो गलत है तो विरोध करो लेबनान और ईरान का अगर वो गलत है तो केवल भाषण नहीं देना है काम करना चाहिए ये लिखा हुआ है ना काम करना चाहिए वर्तमान संदर्भ में अब आया जो आजकल चल रहा है विकसित देशों के प्रमुख हथियार उद्योग अब यहां संदर्भ दे रहा है दुनिया भर में अपने स्वार्थ के लिए कई युद्धों की निरंतरता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं यह प्रश्न नहीं अभी यह तो कथन दे रहा है कि आजकल हो क्या रहा है आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्षों को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार क्या है प्रश्न तो यहां पर है कि इनके नैतिक विचार क्या है अभी तक केवल भूमिका बनाई गई है कि इस देश में इस दुनिया में हमने शांति के लिए प्रयास किया है बोल करके भाषण देकर के प्रयास किया है हम मानते भी है कि शांति होनी चाहिए लेकिन हम उसके लिए काम नहीं करते और काम क्यों नहीं करते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है हमारा स्वार्थ छिपा हुआ है क्या स्वार्थ इधर देखो सब आप आकर्षित कर दिए सबको सब आपको देख रहा है सुंदर हैं आप <laughs> हाँ, मेरे से निगाह हट गई मुझे दुख हुआ इसीलिए नेता लोग विलंब से आते हैं ताकि सब उनको देखे जनता पहले आ जाती है बेकूफ तो यहां पर जो स्थिति है वो स्थिति यह है कि सिद्धांत पर ध्यान ना दें व्यवहार पर ध्यान दें ठीक है ना अब कितना सरल हो गया देखिए यह प्रश्न इस प्रश्न में कुल मिलाकर यह पूछ रहा है कि हमें शांति चाहिए भाषण नहीं चाहिए जो विकसित देश हैं जो शांति स्थापित कर सकते हैं वे तो अपने स्वार्थ में पड़े हुए हैं उनके नैतिक विचार क्या होने चाहिए बस यही अब मन में तुरंत लाइए कि विकसित देशों के बारे में क्यों नहीं बोला क्यों बोला विकासशील देशों के बारे में क्यों नहीं बोला भारत के बारे में क्यों नहीं बोला हमारे देश को क्यों नकारा पाकिस्तान को क्यों नकारा यह विकसित देश क्यों बोला साधारण रूप से समझिएगा पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा विस्तार कर रहा हूं प्राथमिक आवश्यकता है कि विकसित देश शांति का व्यवहार करे यानी समय पर आए अगर ये विकसित देश के ही समय पर नहीं आएगा तो बाकियों से उम्मीद क्या करेगा और अगर इसका स्वार्थ होगा तो वह इसका समर्थन बोलने में तो करेगा लेकिन व्यवहार में नहीं करेगा अब देखो अब इसका उत्तर कैसे लिखोगे इसके उत्तर को दो भागों में आठ दो इसका इस उत्तर का जो पहला भाग है इस उत्तर के पहले भाग में आप युद्ध के बारे में यह कलर दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है ठीक है दिखना भी चाहिए ठीक है लो हाँ युद्ध है तो काला ही होना चाहिए तो यहां युद्ध के बारे में आपको लिखना है पहले 25-30 शब्द युद्ध के बारे में लिखिए और जब युद्ध के बारे में लिखेंगे तो एक अवधारणा होती है युद्ध की उस अवधारणा को जस एड वेलम कहते हैं जस एड बेलम का मतलब होता है जस्ट थियोरी ऑफ वॉर समझिएगा जस्ट थ्योरी ऑफ वॉर का मतलब होता है न्यायोचित युद्ध कौन सा युद्ध अभी थोड़ी देर पहले हमने धर्म युद्ध भी बोला था न्यायोचित युद्ध धर्म युद्ध इसको 25 तीस शब्दों में लिखना है कि हम युद्ध को कब उचित मानते हैं और जब युद्ध को हम उचित मानते हैं तो क्या वह वैश्विक स्वरूप प्राप्त करता है जिसको किसी ने धर्म युद्ध कहा क्या वह धर्म युद्ध था वह उसकी नजर में धर्म युद्ध होगा लेकिन दूसरों की नजर में वह धर्म युद्ध नहीं था जिसकी मां ने अपने बच्चों को खो दिया उसके लिए धर्म युद्ध नहीं था संभवतः गीता के उपदेशों के तरह तरफ के अनुसार धर्म युद्ध हुआ होगा लेकिन वह जिनकी मां की कोख उजड़ी उनके लिए धर्म नहीं था ठीक उसी तरह से इन विकसित देशों के लिए कोई युद्ध आवश्यक होगा लेकिन वह युद्ध विश्व के लिए भी उचित हो यह कोई जरूरी नहीं तो जस्ट एड बेलम अर्थात जस्ट थियोरी ऑफ वॉर अर्थात युद्ध का न्यायोचित सिद्धांत यह बताता है कि युद्ध को कुछ सीमा तक न्यायोचित तब हम बता सकते हैं मैं रिपीट कर रहा हूं युद्ध को न्यायोचित किसी सीमा तक तब हम बता सकते हैं जब परिणाम उत्तम प्राप्त होने की संभावना हो क्षति की तुलना में रिपीट कर रहा हूं जब क्षति की तुलना में नुकसान की तुलना में परिणाम की प्राप्ति अधिक हो यानी यहां पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अर्थात अनुपातिकता का सिद्धांत तो लागू होता है शब्द पर ध्यान दीजिएगा कैसे सैद्धांतिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश हो रही अनुपातिकता के सिद्धांत के अनुसार अगर परिणाम की प्राप्ति हानि या क्षति से ज्यादा होती हो तो उसको जस्ट कॉज कहा जाता है और वह जस्ट कॉज यह बताता है कि एक सीमित मात्रा में युद्ध का होना संभव है यह सिद्धांत बता रहा है कि सीमित मात्रा में दीर्घ काल में नहीं सीमित मात्रा में युद्ध किया जा सकता है इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत बताता है कि जब सीमित मात्रा में भी युद्ध करना हो तो उसको अंतिम उपाय के रूप में मानो कृष्ण ने अंतिम उपाय के लिए कौरवों के पास जाकर के कहा कि दे दो पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम युद्ध नहीं चाहते हैं अंतिम बार आया हूं युद्ध को टालने के लिए क्योंकि युद्ध उचित नहीं है युद्ध विभिषिका लाएगी और मैं सर्वाधिक परिपक्व ईश्वर तुल्य युद्ध की विभिषिका को देख सकता हूं इसलिए इसको रोकता हूं विकसित देशों को भी क्या करना चाहिए यह समझने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि उनके हाथ में शक्ति है उनके देश में बौद्धिकता है उनके समाज में बौद्धिकता है वे अपनी योग्यता के आधार पर अपनी बौद्धिकता के आधार पर अपनी शक्ति के आधार पर युद्ध में लगे हुए लोगों को समझा सकते हैं उनके माध्यम से प्राप्त हो रहे सहयोग को रोक सकते हैं और युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाने की सलाह दे सकते हैं युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए और जब युद्ध अपनाया जाता हो या युद्ध को लागू किया जाता हो तो यह निर्धारित होना चाहिए कि युद्ध की भी एक नीति होती है और भारत ही नहीं दुनिया भर में विशेष तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद युद्ध की भी नीति है कि कभी सिविलियन पर कोई अटैक नहीं किया जाए यह निर्धारित होना चाहिए तब जाकर वह जस्ट थ्योरी होता है प्रश्न के अनुसार विकसित देशों ने हथियारों की होड़ लगाई है उनके हथियार जो बिके नहीं थे अब बिक रहे हैं यूक्रेन में वह बिक रहे हैं इसराइल को या जो दूसरे विरोधी गुट हैं उनके द्वारा दिए जा रहे हैं ईरान को या दिए जा रहे हैं लेबनान को अर्थात अपने अर्थशास्त्र को मजबूत करने के लिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियंस लाभकारिता का सिद्धांत वैश्विक लाभकारिता के स्थान पर स्वयं की लाभकारिता को अपनाने का प्रयास इन विकसित देशों ने किया है जिसके कारण युद्ध लंबा हुआ है और उसके रुकने की संभावना कम हुई तब प्रश्न होता है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अब आज का जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र है वह युद्ध के उन सभी पहलुओं को शामिल करेगा जिनके कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असर पड़ता है तो उस पर आने के पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना हुआ युद्ध और इसके कौन से पहलू को लिखेंगे न्यायोचित औचित्यता इसके बारे में लिखेंगे और चूंकि डेढ़ सौ शब्दों में लिखना है तो आप यहां पर एक गोल बना करके जितने भी मुद्दे अभी आपके सामने रखे उनको क्या कर दें आप लिख दें ठीक है ना अनुपातिकता का सिद्धांत है अंतिम उपाय होना चाहिए नियंत्रित होना चाहिए सामान्य लोगों पर आक्रमण नहीं होना चाहिए ये यहां पर लिख दें इससे आपका आपकी शब्द सीमा क्या होगी बचेगी और उसके बाद अपने उत्तर पर आइए कि उपरियुक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आज के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निरंतर चल रहे संघर्ष को रोकने के लिए शक्तिशाली राष्ट्रों के नैतिक विचार डेस दीजिए मिल गया ना उत्तर यहां से क्रम संख्या बनी क्रमब्धता गई ना अब यहां पर आप जब यह लिखने का प्रयास करोगे कि नैतिक विचार क्या होंगे यह अगले पैराग्राफ में आएगा नैतिक विचार क्या नैतिक विचार हो सकते हैं सबसे पहला जो नैतिक विचार होगा वह होता है वैश्विक सूक्ष्म उत्तरदायित्व तो एवं जवाबदेही क्या बोला वैश्विक सूक्ष्म उत्तरदायित्व तो एवं जवाबदेही इसको माइक्रो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं अंग्रेजी में वैश्विक सूक्ष्म उत्तरदायित्व तो एवं जवाबदेही ताकि मानवाधिकार और मानव धर्म की रक्षा हो सके किसकी रक्षा मानवाधिकार की रक्षा हो सके मानव धर्म का संबंध आध्यात्मिकता से होता है रिपीट कर रहा हूं मानव धर्म का संबंध आध्यात्मिकता से होता है और आध्यात्म वैश्विक होता, होता।, होता है धर्म वैश्विक नहीं होता आध्यात्म वैश्विक होता है धर्म वैश्विक नहीं होता धर्म की परिभाषा समय के साथ बदलती है आध्यात्म की परिभाषा वैश्विक होती है इसलिए चूंकि यह प्रश्न यह प्रश्न पत्र ही नैतिकता से संबंधित है आपको उन शब्दों का पुट देना होगा और जब शब्दों का पहला पुट आपके सामने रखा तो मैंने यह आपके आपको बताया कि सूक्ष्म स्तरीय उत्तरदायित्व और जवाबदेही के साथ जो विकसित देश हैं उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे अपने आध्यात्मिक दर्शन यानी स्पिरिचुअल फिलोसफी का पालन करते हुए मानव धर्म की रक्षा करें मानवाधिकार की रक्षा करें यह पहली जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति निर्दोष व्यक्ति की भी अगर हत्या होती है तो वह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस माना जाता है एक निर्दोष व्यक्ति की भी अगर हत्या होती है तो वह मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होता है यहां लाखों लोगों की जो निर्दोष लोग हैं उनकी हत्या हो रही तो विकसित देशों की जो नैतिक परिपक्वता है वह इस बात में है कि वह मौलिक अधिकार माफ कीजिएगा मानवाधिकार और मानव धर्म की रक्षा का पहला प्रयास करें उसकी दूसरी जिम्मेदारी होती है दूसरी जिम्मेदारी मैं बोलता जा रहा हूं आप अगर लिख रहे होंगे तो लिख लीजिएगा संभव नहीं है कि मैं सब कुछ लिखता रहूं यहां उसकी दूसरी जिम्मेदारी होती है कि वह अपनी नैतिक परिपक्वता की पराकाष्ठा को छूते हुए मानव जाति के बीच संघर्ष को रोककर शांति का संदेश दे मानव जाति के बीच संघर्ष को रोककर जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है जो लोगों के बीच में संघर्ष होता है उस संघर्ष को रोककर शांति का पैगाम दे क्योंकि इसी शांति के पैगाम से किसी भी समस्या का रचनात्मक समाधान संभव होता है अगर यह विकसित देश शांति का पैगाम देकर शांति को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे तो संघर्ष का समाधान होता है नीति शास्त्र में यह मान्यता है कि अगर संघर्ष है अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है और समाधान तब आएगा जब आप ये आपने बोला मैंने कहा यह लिखना नहीं तो जहां पर संघर्ष है उस संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होगा दूसरा जो उत्तर दे रहा हूं फिर से बोल रहा हूं कि विकसित देशों की नैतिक परिपक्वता की पराकाष्ठा यह होनी चाहिए कि वे मानव संघर्ष के स्थान पर शांति का पैगाम दे क्योंकि शांति के माध्यम से ही संघर्ष का रचनात्मक समाधान संभव है बात क्लियर हुई जो तीसरी जिम्मेदारी है विकसित देशों की वह जिम्मेदारी है कि वे हर देश की संप्रभुता का सम्मान सुनिश्चित करें हर देश की संप्रभुता का सम्मान चाहे वह छोटा देश हो या बड़ा देश हो अगर कोई विकसित देश है तो उससे यह अपेक्षा होती है कि वह नैतिक रूप से हर देश को संरक्षण प्रदान करेगा और कोई भी उस देश की संप्रभुता को अगर प्रभावित करने का प्रयास करे तो तथा कथित संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के सदस्यों के रूप में वह उस संघर्ष को रोकने में अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा यह समझने की आवश्यकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद क्यों बनाई गई ताकि जो विकसित समाज है जो शक्ति संपन्न समाज है वह दूसरों की संप्रभुता को अगर प्रभावित करने का कोई भी प्रयास होता है तो उस प्रयास को वह असफल करे तो विकसित देशों के सामने अपने पद स्तर के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जो नैतिक जिम्मेदारी दी गई है वह नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक देश की संप्रभुता को वह सुनिश्चित करे और प्रत्येक देश की जब संप्रभुता को सुनिश्चित करेगा तो वहां पर केवल मानव सुरक्षा ही सुनिश्चित नहीं होगी बल्कि जिस तरह से सालों भर की लड़ाई के बाद बमबारी के बाद पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव है ध्यान रखिएगा बोला गया अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव आज दो वर्षों से जो यूक्रेन में बमबारी हो रही है उसका विश्व के पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा होगा कि नहीं उस पर्यावरणीय प्रभाव को रोकने की कोशिश उसकी जिम्मेदारी केवल जी ट्वेंटी जी सेवन जी फोर जी नाइनटीन जी सेवेंटी टू सेवेंटी सेवन की बैठक से नहीं होगा या सीओपी बुला लेने से नहीं होगा या ई बोलने से नहीं होगा हमारी आवश्यकता होगी कि हम एनवायरमेंट के प्रति अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दुनिया भर में हजारों टन गोला बारूद न छोड़ा जाए क्योंकि इसका सीधे तौर पर किस पर प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव की सीमा यूक्रेन की भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं है वह पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव दुनिया के अन्य देशों में भी जाता है तो जब मैं एक विकसित देश के रूप में हथियार बेचता हूं तो मुझे यह समझना चाहिए कि इस हथियार के कारण जो पर्यावरण का नुकसान हो रहा है वह नुकसान सुदूरवर्ती देशों का भी हो रहा है यह नैतिकता उनमें होनी चाहिए उनकी नैतिकता यह होनी चाहिए कि वे यह समझने का प्रयास करें चौथे नंबर पर कि युद्ध तो समाप्त हो जाएंगे लेकिन युद्ध की का दीर्घ काल तक रहेगी 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए बम का प्रभाव आज भी देखने को मिलता है युद्ध अगर समाप्त भी हो गया तो जो आर्थिक शोषण हुआ जो इकोनॉमिक डिग्रेडेशन आया जो आर्थिक मंदी आई जो उद्योग धंधे समाप्त तो हुए जो अस्पताल समाप्त तो हुए जो विद्यालय समाप्त तो हुए जो कल कारखाने समाप्त तो हुए जो बिजली के घर समाप्त तो हुए उनको युद्ध समाप्त तो होने के अगले दिन नहीं बनाया जा सकता लंबे समय तक मानवता कराहती रहेगी लंबे समय तक भूखमरी बीमारी से लोग मरते रहेंगे और उसके जिम्मेदार विकसित देश के लोग होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी बौद्धिकता और अपनी शक्ति और शौर्य का परिचय दिए बगैर लोगों को मृत्यु के घाट तक उतरने का अवसर दिया वह युद्ध केवल सेना के समापन का नहीं होता है जिस देश को युद्ध का सामना करना पड़ता है चाहे वह आक्रामक हो या रक्षात्मक हो वह दीर्घ काल तक उसका असर झेलता है जब रिहायशी घर तोड़ दिए जाते हैं तो युद्ध के समाप्ति की घोषणा के बाद वह घर नहीं लौटाते या जिनके लोग मरते हैं उन लोगों के शव पर झंडा लपेटा रहता है वे दोबारा लौट कर नहीं आते वहां पर मानवता कराती है और यह जिम्मेदारी उन विकसित देशों के लोगों की है उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे इस दिशा में सकारात्मक प्रयास करें हमारा जेनेवा कॉन्फ्रेंस क्या बोलता है जेनेवा सम्मेलन में क्या बैठक हुई क्या बातचीत हुई कि जब भी किसी तरह की ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होगी तो हम डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट करेंगे हम कूटनीतिक प्रयास करेंगे और कूटनीतिक प्रयास करके विश्व के अलग अलग देशों के बीच में हो रहे संघर्ष को रोकने का प्रयास करेंगे विकसित देशों से यह अपेक्षित है तो विकसित देशों के सामने करीब पांच छह नैतिक तत्व हैं मैं रिपीट कर दे रहा हूं एक बार फिर से पहला मैंने बोला था कि वैश्विक संवेदनशीलता और नैतिकता की पराकाष्ठा के साथ मानव धर्म की रक्षा करते हुए मानवाधिकार और मानव की रक्षा करना दूसरा मैंने आप लोगों से शायद कहा था कि संघर्ष को रोक करके रचनात्मक समाधान की दिशा में अग्रसर करना तीसरा मैंने आपसे कहा था कि हर देश की संप्रभुता को क्रम बदल सकता है संप्रभुता को बचाना चौथा मैंने कहा था पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने आप को समर्पित करना पांचवा मैंने कहा था कि जो आर्थिक नुकसान होगा उस नुकसान को समझते हुए क्योंकि वह नुकसान केवल युद्ध के दौरान नहीं होगा बल्कि उसके बाद भी होगा और उसके बाद मैंने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और विधियों का पालन करते हुए डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करना यह सारी जिम्मेदारी किसके हाथों में है यह जिम्मेदारी विकसित देशों को एक नैतिक जिम्मेदारी लेकर के काम करने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है ना यह चार पांच छह पॉइंट लिखते हुए अब देख सकते हैं अगर चार पांच पॉइंट हम लिखते हैं और एक एक में बीसवीं शब्द भी लिखते हैं तो बढ़ जाता है हमारा ठीक है ना तो इस तरह से आप पॉइंट्स को लेकर के और उसको लिखने के समय यह ध्यान रखिएगा कि नीति शास्त्र का प्रश्न पत्र है तो आपके शब्द भी उसी के आधार पर होने चाहिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि नीति शास्त्र के प्रश्न पत्र का उत्तर देते वक्त आपके व्यक्तित्व को प्रतिबिंबित करने वाले विषय होने चाहिए जिससे पता चले कि आप इस तरह के विद्यार्थी हैं या ना हो कि रट लिया है पेपर नंबर फोर और आके यहां पर वोमिटिंग कर रहा है उत्तर के रूप में आपके प्रश्न के उत्तर से आपकी भाषा से आपके व्यक्तित्व का प्रतिबिंब सामने आना चाहिए कि किस तरह का व्यक्ति है और उसकी सोच क्या है तब जाकर नंबर मिलता है नंबर केवल रटने से नहीं मिलता है। पॉइंट ये रट लेंगे हमने बता दिया आपने रट लिया तो नंबर मिलने की संभावना नहीं है अगर लिखने का तरीका उस तरह का नहीं जो नीतिशास्त्र की मांग है तो हमें यह समझने की आवश्यकता है इस तरह से हम इस प्रश्न का उत्तर देने में कामयाब होंगे और निष्कर्ष हमारा होगा कि युद्ध हमेशा विभिषका देता है युद्ध हमेशा विभिषका देता है अल्पकालिक लाभ दे सकता है लेकिन दीर्घकालिक नुकसान होता है इसलिए विकसित देशों की नैतिक जिम्मेदारी है कि युद्ध के जगह पर हम बुद्ध के संदेश का पालन करें समझ गए अब एक लाइन जो मैंने कहा युद्ध के स्थान पर बुद्ध के संदेश का पालन करें तो आप भारत के पूरे नैतिक शास्त्र को एक लाइन में आपने लिख दिया और समाप्त कर दिया अपना उत्तर समझ गए अब आपको यहां बुद्ध का दर्शन नहीं लिखना है लेकिन पढ़ने वाला समझ गया कि आप क्या बोलना चाहते हैं ठीक है ना तब जाकर यह आपके प्रश्न का उत्तर यहां पर पूरा होगा अब यह पहला प्रश्न था इसलिए थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा दिया ऐसा नहीं कि यही आता था लेकिन नहीं जरूरी है स्पष्ट कर देना क्योंकि पहले प्रश्न में क्या क्या सोचना चाहिए और क्या समझना चाहिए वो सब भी बोलना था अब दूसरे प्रश्न में इस तरह से नहीं रहेगा यहां देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न है प्रश्न बहुत बढ़िया है ये तो बच्चे ने जो कहा था मैं उसकी बात से सहमत हूँ कि प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया है वैसे प्रश्न हमेशा बढ़िया ही होता है जिसको आता है उसको बढ़िया लगता है जिसको नहीं आता है उसके लिए तनाव होता हाँ अगले वाले क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था अब यही होता है समय पर ना आने का व्यवधान जब पोहा चावल दाल लेके आओगे आपके मित्रों को पहले ही बता चुका हूं कि कुछ प्रश्न मुझे दिए गए हैं और वो सारे प्रश्न यहां पर लिखे हुए हैं उनका उत्तर देना है बाकियों के उत्तर के लिए अन्यों का इंतजार करें हाँ बताइए न्यायपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण की अवधारणा प्रासंगिक है न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण की अवधारणा अप्रासंगिक अप्रासंगिक है इसमें क्या बोला गया भाई एक साल पहले जो न्यायपूर्ण था आज के संदर्भ में वह अन्यायपूर्ण हो सकता है ठीक है ना न्याय हत्या को रोकने के लिए न्याय हत्या मतलब मिसकैरेज ऑफ जस्टिस देखिए हिंदी कहीं और भी बोला था मैं न्याय हत्या जुडिशियल मर्डर ये मिसकैरेज ऑफ जस्टिस न्याय हत्या को रोकने के लिए बदलते संदर्भ में लगातार नजर रखी जानी चाहिए उपर्युक्त कथन का समुचित उदाहरण सहित परीक्षण करें यहां पर परीक्षण करना है और परीक्षण हमेशा उदाहरण के साथ ही होता है ठीक है ना तो उत्तर यहां सरल कर दिया गया प्रश्न सरल कर दिया गया क्योंकि लिख दिया गया है उदाहरण के साथ परीक्षण करें परीक्षण उदाहरण के बगैर नहीं होता है और परीक्षण किस चीज का करना है कि अन्याय और अन्याय स्थाई नहीं होता यह समय के साथ क्या होता है बदलता रहता है तो अगर आप लोगों ने थोड़ी बहुत भी कुछ पढ़ाई की है या नहीं भी किए हो तो जानना होगा यहां पर उत्तर लिखने के क्रम में कि नैतिक सापेक्षवाद क्या है इसको एथिकल रिलेटिविज्म कहते हैं नैतिक सापेक्षवाद क्या है ठीक है ना एथिकल रिलेटिविज्म खोज रहे हो क्या <laughs> वो बेचारा देख रहा है कि कहीं है कि नहीं हमारे दस्तावेज में तो <laughs> देख लो देख लो नैतिक सापेक्षवाद हाँ देख ले बेटा नैतिक सापेक्षवाद अब ये नैतिक सापेक्षवाद क्या होता है आपको थोड़ा सा मैं बता दूं आइंस्टाइन ने कहा था कि फिजिक्स डील्स विथ रिलेटिविज्म यानी भौतिकी सापेक्षवाद से संबंधित है नीतिशास्त्र नहीं यह आइंस्टाइन का विचार था क्योंकि आइंस्टाइन के अनुसार नीतिशास्त्र में कोई बदलाव नहीं होता नीति शास्त्र जो यहां है वही अमेरिका में है सत्य बोलना है तो सत्य ही बोलना है हर जगह उसमें कोई दोहरी बात नहीं होती है यह आइंस्टाइन का मत है लेकिन जब एथिकल रिलेटिविज्म यानी नैतिक सापेक्षता की हम चर्चा करते हैं तो एथिकल रिलेटिविज्म कहता है कि देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी कभी भी पूर्ण सत्य कुछ भी नहीं होता जब नैतिक सापेक्षवाद की चर्चा करते हैं तो इसमें कहा जाता है कि कभी भी कोई भी पूर्ण सत्य नहीं होता सत्य संदर्भ में होता है सत्य संदर्भ में होता है तो कोई भी पूर्ण सत्य नहीं होता और वह सत्य हमेशा परिभाषित होता है आपकी संस्कृति और उसकी मानकताओं के आधार पर आपके नॉर्म्स क्या हैं, आपका कल्चर क्या है आप किस तरह के वातावरण में जीते हो वहां से आप सत्य की खोज करते हो तो यह परिभाषा बदलती रहती है किसके अनुसार नैतिक सापेक्षवाद के अनुसार तो आपको यहां पर चूंकि डेढ़ सौ शब्दों का है तो ज्यादा से ज्यादा तीस शब्द यह अधिकतम बोल रहा हूं ज्यादा से ज्यादा तीस शब्दों में आपको इसके बारे में लिखना होगा नैतिक सापेक्षवाद के बारे में और नैतिक सापेक्षवाद के बारे में जब आप लिखोगे तो यहां पर आपसे सैद्धांतिक उम्मीद नहीं की जा रही है क्योंकि शब्द की सीमा बहुत कम है ठीक है ना अन्य था ये जो अंग्रेजी का जस्ट और अनजस्ट है हिंदी में जो न्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण बोला गया है इसके बारे में कौटिल्य ने अपना विचार दिया था ऐसे माफ कीजिएगा अरस्तु ने अपना विचार दिया था इसके बारे में अमर्थ सेन ने अपना विचार दिया था इसके बारे में जॉन रॉल्स ने अपना विचार दिया था लेकिन उन विचारों को हम यहां डेढ़ शब्दों में लिख नहीं सकते अगर ये ढाई शब्द का होता तो हम अरस्तु के विचारों को लिखते हम अमर्थ सेन के विचारों को लिखते हम जॉन रॉल्स के विचारों को लिखते कि न्याय और अन्याय होता क्या है ठीक है ना जैसे एक उदाहरण आपको दे देता हूं अरस्तु ने कहा था कि जो चीज ड्यू है किसी व्यक्ति के लिए ड्यू अब ड्यू क्या है यह अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा तो जो चीज ड्यू है व्यक्ति के लिए वह चीज उसको प्राप्त होना चाहिए अमर सेन ने कहा था कि जो चीज व्यक्ति की योग्यता के अनुसार मिलनी चाहिए वह उसको मिलनी ही चाहिए अन्यथा वह न्याय नहीं होगा और तब हम लोग पढ़ते हैं अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच तो कैपेबिलिटी अप्रोच यही कहता है कि जितनी योग्यता आप में है आपको उतनी प्राप्ति होनी चाहिए अगर योग्यता के मुताबिक आपको प्राप्त नहीं हुआ तो वह क्या हो जाएगा अन्याय हो जाएगा ठीक है ना तो हमें सिद्धांतों में नहीं जाना है हम अभी नैतिक सापेक्षवाद की चर्चा कर देंगे और नैतिक सापेक्षवाद की चर्चा करने के साथ साथ यह बताएंगे कि समय के साथ इसकी परिभाषा क्या होती जाती है बदलती रहती है तो बदलते हुए वातावरण में हमें निरंतर अपनी नजर रखनी चाहिए और बदलते हुए वातावरण में जब निरंतर नजर रखी जाएगी तो देखा क्या जाएगा पहली चीज आप देखोगे अब यहां परिभाषा इसके बाद पैराग्राफ बदल देना है और पैराग्राफ बदलने के साथ इस चीज को न्याय हत्या को रोकने के लिए आगे से यहां लिखोगे न्याय हत्या चूंकि शब्द में यही लिखा हुआ है मैं वही लिख रहा हूं न्याय हत्या को रोकने के लिए रोकने हेतु तो। हमें लगातार नजर रखनी चाहिए ठीक है ना अब क्या नजर रख... ये लाइन मिल गई ना हमें क्या नजर रखनी चाहिए पहली चीज बदलता हुआ सामाजिक मानक दृष्टिकोण अंग्रेजी में बोलते हैं चेंजिंग सोसाइटल नॉम्स बदलता हुआ सामाजिक मानकीय दृष्टिकोण नॉम्स को क्या बोलते हैं मानक तो बदलता हुआ सामाजिक नैतिक दृष्टिकोण मानकीय दृष्टिकोण और यह बदलता हुआ जो मानकीय दृष्टिकोण है वह बदलता हुआ मानकीय दृष्टिकोण क्या है इसको समझो एक इस जैसे आपने लिखा यह बदलता हुआ मानकी दृष्टिकोण यहां पर अब यहीं पर आप क्या करो क्योंकि उदाहरण आपसे पूछा है आप उदाहरण को सैद्धांतिक स्वरूप कैसे दे सकते हो अब मैं उसको दे रहा हूं समझना कि विक्टोरियन मोरालिटी के तहत कौन सी मोरालिटी बोला विक्टोरियन मोरालिटी के तहत यह कहा गया था कि होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिक संबंध यह कहा गया था कि समलैंगिक संबंध एक अपराध है या नहीं होना चाहिए किस मोरालिटी के तहत विक्टोरियन मोरालिटी अब इसकी व्याख्या नहीं करनी आपने बता दिया ना कि आप कहा जानते हो सैद्धांतिक स्वरूप दे दिया और विक्टोरियन मोरालिटी के तहत यह नहीं हो सकता लेकिन बदलते हुए वातावरण में सर्वोच्च न्यायालय ने नौते सिंह जौहर के केस में विरासत में मिली हुई धारा तीन को असंवैधानिक घोषित करके होमोसेक्सुअलिटी को संवैधानिकता के दायरे में लाकर खड़ा किया अब देखिए विक्टोरियन मोरालिटी से लेकर के संवैधानिक नैतिकता तक हम पहुंच गए उदाहरण भी दे दिया उसके सैद्धांतिक स्वरूप को भी एक लाइन में ही हमने लिख दिया अब दो तरह का उत्तर हो गया ना एक उत्तर यह है कि आपने उदाहरण दे दिया नौते सिंह जोहर के केस में और एक विद्यार्थी उत्तर दे रहा है कि विक्टोरिया नैतिकता से लेकर के आज तक के संदर्भ में प्रश्न क्या पूछा जा रहा है बदलते हुए वातावरण में तो जो आपने उत्तर दिया वो बदलते हुए वातावरण के अनुसार उत्तर दिया जो पहले वाले ने उत्तर दिया वह आज के संदर्भ में उत्तर दिया अब सोचो कि प्रश्न जो पूछा उसका उत्तर कहां है उसका उत्तर है बदलते हुए वातावरण में समझ गए दूसरा कि जब परिस्थितियां बदलती हैं जब दृष्टिकोण बदलता है समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं जब समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं दृष्टिकोण बदल जाता है जब आवश्यकता बदलती है तब दृष्टिकोण बदलता है आवश्यकता बदलने और दृष्टिकोण बदलने का संबंध ज्यादा समझो जैसे ही आवश्यकता बदल जाएगी समाज की वैसे ही बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बहुत सारे ऐसे पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों में हम बदलाव ला देते उदाहरण देता हूं आपको असमान व्यवहार करना नैतिकता है या नहीं लोगों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना असमान व्यवहार करना नैतिकता है कि नहीं पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना नैतिकता है या नहीं है बोलो जल्दी नहीं है पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना नैतिकता है अब लो, एक ही लाइन बोलो आ? इसका मतलब क्या हुआ कि सामान्य तौर पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना उचित नहीं है लेकिन जैसे जैसे आवश्यकताएं बदली संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत सकारात्मक भेदभाव का समर्थन करने लगे देखो कैसे सिद्धांत में बदल रहा हूं कि सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना अन्याय होगा लेकिन जैसे जैसे आवश्यकताओं में तब्दीली आती है संविधान के अनुच्छेद पंद्रह तीन के तहत पंद्रह चार के तहत पंद्रह पांच के तहत पंद्रह छह के तहत सोलह तीन के तहत सोलह चार के तहत सोलह पांच के तहत सोलह छह के तहत हम सकारात्मक भेदभाव का समर्थन करते हैं क्योंकि आवश्यकताएं है बदली हैं देश की जरूरत बदली है समाज की आवश्यकता बदली है तो हम जो इसको अनैतिक माना करते थे आज तक हम आज उसको संवैधानिक नैतिकता के दायरे में ला रहे हैं यह दूसरा उदाहरण हुआ तीसरा दास्ता जिसको स्लेवरी के नाम से हम जानते हैं एक अमेरिका में एक विचारधारा थी जिस विचारधारा को मुर्सिल थ्योरी के नाम से हम जानते हैं यह अमेरिका का सिद्धांत था कि दास्ता को कानूनी दर्जा दो और दास्ता को कानूनी दर्जा दिया गया था क्योंकि उस वक्त दास्ता को गलत नहीं माना गया दास्ता को एक पूंजी माना गया था जिसके पास जितने दास हैं उतना ही वह मजबूत है लेकिन समय के सापेक्ष में दास्ता को क्या मान लिया गया अन्याय माना गया और उसी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में प्रतिबंधित किया गया जो दिया ना उसी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद तेईस में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया किसी जमाने में देवदासी की प्रथा को नैतिक माना गया था लेकिन संविधान के अनुच्छेद तेईस के अनुसार देवदासी की प्रथा को अनैतिक शोषण का दर्जा दिया गया और उस अनैतिक शोषण को रोका गया इसी देश में कभी वैश्यावृति को गलत माना गया लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने दो में वैश्यावृति को सेक्स वर्क को वैधानिकता दी तो समय के साथ न्याय और अन्याय की परिभाषा क्या होती जा रही है बदलती जा रही है ठीक है ना कभी किसी समय में चार सो संतानवे आईपीसी की धारा चार सो संतानवे को मान्यता दी गई थी और जोसे साइन के केस में चार सो संतानवे को क्या कर दिया गया हटा दिया गया यानी कि एडल्ट्री की परिभाषा क्या कर दी गई बदल दी गई विवाहेतर संबंध की परिभाषा बदल दी गई तो जैसे जैसे आप उदाहरण की ओर जाओगे आप देख रहे होंगे केवल उदाहरण नहीं दे रहा हूं मैं बल्कि उदाहरण को क्या जोड़ रहा हूं संविधान के साथ जोड़ने की कोशिश सिद्धांत के साथ जोड़ने की कोशिश क्योंकि मेरे उदाहरण का महत्व तो तब है जब वह कहीं ना कहीं मान्यता प्राप्त करता है चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से मान्यता प्राप्त करता हो चाहे संविधान के माध्यम से मान्यता प्राप्त करता हो अंतरराष्ट्रीय विधियों और नीतियों के माध्यम से मान्यता प्राप्त करता हो हमें उसका आधार देने की आवश्यकता होगी ठीक है ना तो जब आप उदाहरण भी देते हो तो वहां पर आपको यह समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है तो उसको किस प्रकार से मान्यता मिल रही है ठीक है ना आप सबरीमाला को जानते होंगे महिलाओं को एक निर्धारित आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में जाने को अनैतिक बताया जा रहा था लेकिन संवैधानिक नैतिकता के तहत सबरीमाला के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह नैतिकता के विरुद्ध है यह अन्यायपूर्ण है पहले उसको न्यायपूर्ण माना गया था तत्काल तीन तलाक को एक निर्धारित समय के लिए न्यायपूर्ण माना गया आज वह अन्यायपूर्ण माना जा रहा है तो समय के सापेक्ष में क्या होता जा रहा है बदलाव होता जा रहा है व्याख्या बदलती जा रही है और वह व्याख्या क्यों बदलती जा रही है कि हम लगातार अपने दृष्टिकोण में क्या कर रहे हैं परिवर्तन ला रहे हैं अपने दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है तो जैसे जैसे दृष्टिकोण में बदलाव आएगा अगर हम अपनी परिभाषा नहीं बदलेंगे नैतिकता की परिभाषा नहीं बदलेंगे तो न्याय हत्या होगी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस होगा अंग्रेजी में यही शब्द है मिस ऑफ जस्टिस होगा हिंदी में आज न्याय हत्या लिखा है कल कोई और शब्द दे दे मिस ऑफ जस्टिस होगा अर्थात न्याय की प्राप्ति नहीं होगी और अगर न्याय की प्राप्ति नहीं होती है तो समस्याएं उत्पन्न अंतिम लाइन आपके साथ रखता हूं कि सूचना प्रौद्योगिकी की जरूरत है कि नहीं सूचना प्रौद्योगिकी की जरूरत है क्या यह अनैतिक है नहीं लेकिन इस सूचना प्रौद्योगिकी के कारण जब आपका आंकड़ा आपकी गोपनीयता को भंग करने लगे जब ए के माध्यम से डीप फेद तक आप पहुंच जाएं तब वह नैतिक रहेगा या अनैतिक तब वह अनैतिक हो जाएगा तो हमें उसकी परिभाषा में क्या करना पड़ेगा बदलाव लाना पड़ेगा उसके दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा तो कोई भी चीज स्थाई तौर पर नहीं होती अगर कोई सत्य है तो उस सत्य का दूसरा पहलू भी समय के सापेक्ष में आता है इसलिए एथिकल रिलेटिविज्म की आवश्यकता होती है हमें अलग अलग उदाहरणों के साथ आगे बढ़ना है और उदाहरणों को सैद्धांतिक स्वरूप देते हुए यह बताने की कोशिश करनी है कि हमने जिस तरह से बदलाव दिया है वह बदलाव किस आधार पर दिया है और किस रूप में दिया है बात क्लियर हुई यहां पर अब देखिए चार बी मामले के सार को नजरअंदाज करते हुए करके कर रूप के प्रति अविवेकी आशक्ति का परिणाम अन्याय होता है एक समझदार सिविल सेवक वह है जो ऐसी शाब्दिकता को नजरअंदाज करता है और सच्चे इरादे से काम करता है उपरयुक्त कथन का समुचित उदाहरण सहित परीक्षण करें यहां पर भी परीक्षण करने को बोला गया है अब हिंदी में जो शब्द दिया गया है वह शब्द देख रहे होंगे क्या लिखा गया है कि सार को नजरअंदाज कर करके रूप के प्रति रूप किसका रूप कौन सा रूप कौन सा रूप है सिविल सेवक का रूप आपके मित्र कहने सिविल सेवक का रूप कोई बात नहीं हा पढ़ के आए हैं यही तो मुझे समझना था मैं भी यही बोलने जा रहा था कि यहां पर सब्सटेंस है और एक और शब्द अंग्रेजी का है फॉर्म फॉर्म का मतलब यहां रूप लिखा गया है ठीक है ना अब अंग्रेजी में यहां पर है फॉर्म और यहां पर है सब्सटेंस ठीक है सब्सटेंस का मतलब क्या होता है सब्सटेंस कहते किसको है यह वह व्यक्ति जान पाएगा जो अरस्तु के नीति शास्त्र को पढ़ा होगा अरस्तु के नीति शास्त्र के तहत कहा गया कि अभिशासन और सुशासन तब सामने आएगा जब लोक सेवक सिद्धांतों के अनुसार नहीं लोक सेवक विधियों के अनुसार नहीं लोक सेवक नियमों के अनुसार नहीं लोक सेवक उद्देश्यों के अनुसार व्यवहार करेगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी एक वक्तव्य दिया था और उसका भी एक प्रश्न आगे आपको मिलने वाला है मिशन कर्मयोगी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक लोक सेवक की नियुक्ति कानून के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए नहीं बल्कि जनता के प्रति प्रतिबद्ध होने के लिए वह कानून के लिए मशीन नहीं हो सकता वह जनता का सेवक होता है और यह अरस्तु के सिद्धांत पर आधारित है जहां पर भी आपको यह फॉर्म यानी रूप दिखेगा आप नोट करना चाहे नोट कर लीजिएगा जहां पर भी रूप दिखेगा उस रूप का तात्पर्य होगा सिद्धांत और विधि से के प्रति समर्पित सिद्धांत और विधि के प्रति समर्पित तकनीकी रूप से सत्य परंतु नैतिक रूप से गलत तकनीकी रूप से सही परंतु नैतिक रूप से गलत केंद्रीय तत्वों को नजरअंदाज कर यानी कोर इश्यूज को केंद्रीय तत्वों को नजरअंदाज कर औपचारिकता का पालन करना और संदर्भ का अपमान करना संदर्भ का मतलब जो परिस्थितियां हैं उसका अपमान करना और जहां पर सारे तत्व होगा जो यहां नहीं है वह सारा यहां पर होगा यानी कि जो मुद्दे हैं, जो केंद्रीय मुद्दा है उस पर ध्यान होगा जो संदर्भ है उस पर ध्यान होगा जो मानवता है उस पर ध्यान होगा इधर ध्यान दे दोनों नहीं तो संदर्भ पर ध्यान हो जाएगा कुछ और हो रहा है संदर्भ पर ध्यान दीजिए तो यहां पर संदर्भ है यहां पर फेयरनेस है फॉर्मेलिटी नहीं है यहां पर निष्पक्षता मशीनीकृत नहीं है व्यवहारिक है तो जहां पर इस तरह का दृष्टिकोण होगा वहां पर पॉजिटिव माइंड होगा वो पॉजिटिव माइंड क्या है और निगेटिव माइंड क्या होता है मुझे कानून के तहत दो घंटे आपके साथ बिताने को कहा गया यह निगेटिव माइंड है पॉजिटिव माइंड है कानून के तहत नहीं बल्कि आपकी आवश्यकता के अनुसार दो घंटा बिताओ ताकि जिस मकसद को पूरा करने के लिए आए हो वह मकसद पूरा हो बैठने से मकसद पूरा नहीं होता देखने से मकसद पूरा होता कहीं फॉर्मेलिटी निभाई जा रही थी हम बैठे हुए हैं यहीं पर हैं लेकिन दिमाग कहीं और बस इधर देखो वो सेवा का भाव होना चाहिए लोक सेवक में कोविड 19 के टाइम में राशन कार्ड होगा आधार कार्ड होगा तभी भोजन मिलेगा बच्चा मर जाएगा आपका काम नियम का पालन करना नहीं बल्कि मानवता की रक्षा करना है जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि लोक प्रशासन का सबसे बड़ा धर्म होता है मानव की रक्षा करना न कि कानून की रक्षा करना लोक प्रशासन प्रतिबद्ध होना चाहिए मानव रक्षा के लिए कानून मानव के लिए बनता है मानव कानून के लिए नहीं बनता कानून में परिवर्तन हो सकता है इसलिए कहा गया और यह अरस्तु ने कहा जो प्लेटो के विचार से अलग है कि हमें सिद्धांत पर नहीं हमें उस व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो व्यवहार हमें विषय से जोड़े रखे हमें उस व्यवहार तक जोड़ने की आवश्यकता है जो हमें कर्तव्य पर बनाए समस्याओं के समाधान के प्रति हमें समर्पित करे हमें इस तरह का लोक सेवक चाहिए तो लोक सेवक को क्या करना है जो सच्चे इरादे से काम करता हो जिसका इरादा सच्चा हो जो पक्का इरादा से काम करने के लिए आया हो आप लोगों के लिए जो लिख के दिया गया होगा कि पेपर फोर का विश्लेषण केवल विषय प्रश्न आए हुए प्रश्नों का उत्तर दे देना मैंने प्रारंभ में कहा था यह तो उत्तर यहां आए हुए भी ले लोगे आप लोग कहीं और भी मिल जाएगा उसका कोई एकाधिकार कोई मनोबली नहीं है लेकिन चीजों को समझने की कोशिश इसके दायरे को बढ़ा देती है और वह बहाना तब संभव है जब आप एक सच्चे इरादे से काम करने की कोशिश करोगे अगर यह इरादा कम होगा तो सिलेबस पूरा होगा अगर यह इरादा ज्यादा होगा तो तैयारी पूरी होगी अंतर समझना कि सिलेबस पूरा होने में और तैयारी होने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है जीवन पर्यंत तो सिलेबस ही खत्म हुआ है तैयारी नहीं हो पाई यह यहां पर कहा गया कि आप कानून के प्रति समर्पित ना हो आप नकारात्मक मानसिकता से काम करने की कोशिश ना करें आपकी मानसिकता सकारात्मक होना चाहिए आप में नैतिकता के तत्व होने चाहिए आप में बौद्धिकता के तत्व होने चाहिए आप में वह समानुभूति होनी चाहिए वह दया और करुणा होनी चाहिए कि जो व्यक्ति आपसे उम्मीद करता है उस व्यक्ति को आप कानून के तहत मशीनी के तरीके से व्यवहार करके बचाना चाहते हो या उससे अपेक्षा रखते हो कि उसकी इज्जत उसकी रक्षा की जाए उदाहरण के तौर पर एक मूवी आई थी मुन्ना भाई एमबीबीएस उसमें वो एक बहुत सरल सवाल पूछता है कि मरता हुआ आदमी पहले फॉर्म भरेगा या पहले उसकी जान बचाई जाएगी भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अगर किसी व्यक्ति को गोली भी लगी हो एक्सीडेंट का भी शिकार हुआ हो तो कानूनी प्रक्रिया बाद में निभाई जाएगी डॉक्टर का पहला धर्म है उसकी रक्षा करना उसकी जान बचाना उसके बाद पंचनामा होगा उसके नाम उसके बाद पुलिस की कार्रवाई होगी पहली जिम्मेदारी है इंसान की रक्षा करना कानून का पालन करना नहीं इंसान की रक्षा प्राथमिकता है यह यहां से निकल कर आता है कि हमें फॉर्म का नहीं बल्कि सब्सटेंस को ध्यान में रखना है हमें उस सारे तत्व को ध्यान में रखना है जो उद्देश्य से संबंधित है नियम से नहीं आपको मालूम होगा संविधान की भी व्याख्या समय के साथ क्या होती है बदल जाती है अभी चार दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने, ने कहा कि जीवंत संविधान है इसकी परिभाषा जो सत्तर में होती थी वही आज नहीं होगी प्रावधान तो वही है लेकिन व्याख्या क्या होगी बदल जाएगी क्योंकि हमारा उद्देश्य महत्वपूर्ण है हम मशीनीकृत नहीं हो सकते हमारा उद्देश्य अगर महत्वपूर्ण है तो हमें तीन तरह के न्याय को ध्यान में रखना होगा एक प्रक्रियात्मक न्याय जिसको प्रोसीजरल जस्टिस बोलते हैं दूसरा संरचनात्मक न्याय जिसको हम स्ट्रक्चरल जस्टिस बोलते हैं और तीसरा सब्सटैंडिव जस्टिस यानी कि उद्देश्यात्मक न्याय हमें तीनों न्याय की प्राप्ति करनी है कानून के स्थान पर तीन न्याय की आवश्यकता है पहला न्याय फिर से मैं बोल दे रहा हूं प्रोसीजरल जस्टिस यानी प्रक्रियात्मक न्याय दूसरा स्ट्रक्चरल जस्टिस यानी कि संरचनात्मक न्याय और तीसरा उद्देश्यात्मक, यानी कि सब्सटेंशियल जस्टिस सब्सटिव जस्टिस उद्देश्यात्मक न्याय की प्राप्ति हमारे लिए आवश्यक है तो हमें एक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है अब देखिएगा एक लोक सेवक का निष्कर्ष ले रहा हूं हमें संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है किसके किसके बीच में आइडियलिज्म और प्रेगमेटिज्म के बीच में यानी कि आदर्श और व्यवहार के बीच में हमें कानून का उल्लंघन नहीं करना है लेकिन कानून के कारण किसी की हत्या नहीं होने देनी है ठीक है ना वह कानून ही अप्रासंगिक होगा जिस कानून के कारण किसी की हत्या हो जाती हो और यूपीएससी ने एक केस स्टडी में आज से छह सात साल पहले सवाल पूछा था कि अगर कोई भूख से मर रहा हो उसे राशन की जरूरत हो तो क्या पहले उसके आधार कार्ड की जांच होगी या उसे पहले भोजन मिलेगा केस स्टडी में पूछा गया था तो एक लोक सेवक का काम आधार कार्ड जांच करके उसकी मृत्यु को सुनिश्चित करना नहीं है पहली जिम्मेदारी क्या होगी कि उसे भोजन दिया जाए और तब उसकी पहचान स्थापित करने का जो तरीका है जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन किया जाए क्योंकि इंसान का बचे रहना प्राथमिक आवश्यकता है यहां तक कि विश्व के कानून के अनुसार अगर कोई शरणार्थी है कोई भागा हुआ व्यक्ति है तो उसको भी भोजन का अधिकार है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद इक्कीस में जीवन का अधिकार है देखिए निष्कर्ष कहां से ले रहा हूं भारतीय संविधान के अनुच्छेद इक्कीस में जीवन का अधिकार है और मेनका गांधी केस में यह स्पष्ट कर दिया गया कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाई लॉ के साथ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ हमें सम्यक प्रक्रिया का भी पालन करना है और सम्यक प्रक्रिया संदर्भ के साथ बदलती है इन चीजों के आधार पर अपना उत्तर लिखना है बात क्लियर हुई तो देखिए कोई पेपर टू और पेपर वन नहीं है किस तरह से मिल करके आप उत्तर लिखते हैं जिससे आपको एक लोक सेवक के उस व्यक्तित्व का परिचय मिलता है कि लोक सेवक जब जिला स्तर पर गांव के स्तर पर काम करता है तो एक तरफ उसके दिमाग में संविधान होता है और दूसरी तरफ लोगों की सेवा भी होती है और तब कौटिल्य कहता है कि राजा प्रथम दास है क्योंकि राजा का काम सेवक का काम है यह है बात क्लियर हुई अब अगला प्रश्न लूंगा मैं कहा से हाँ बोलिए रूप का मतलब पहले मैं आपको बता दूं फॉर्म अंग्रेजी में है ठीक है ना और अगर जब आप लोग अंग्रेजी का शब्द देखिएगा तो फॉर्म में एफ कैपिटल है जिनके पास क्वेश्चन पेपर होगा वो देखिएगा एफ कैपिटल है एस भी कैपिटल है तो वह अलग चीज है उसका मतलब यह होता है कि इसको आप संज्ञा रूप में समझिए कानून के रूप में समझिए ठीक है ना विधि के रूप में समझिए ठीक और उसके अनुसार जब समझोगे तो आपका जो ध्यान होगा वह उसको उसका पालन करने पर होगा न कि ठीक है उसका एक उदाहरण दे देता हूं कैमरा हमारे सामने लगा हुआ है इस कैमरे के संदर्भ में तकनीकी ज्ञान हमारे पास यह आई है कि आपको कैमरे को देख करके अपना बात अपनी बात रखनी है प्रश्न यहां पूछ रहे हैं मैं कैमरे को ध्यान में रख के अगर बात करूं तो उनको समझ में आएगा कि हमको बोल रहा है कि किसको तो मुझे इधर देखना पड़ेगा ना अगर कानून के मुताबिक बोलना है तो मैं चुपचाप यहां खड़ा होकर के और यहां बोलूं तो मैं रिकॉर्डिंग करवा रहा हूं कि समझा रहा हूं बात समझ में आ गई तो कानून है उस कानून का इतना पालन करना है कि मैं यहां खड़ा होकर पॉकेट में हाथ डाल के नहीं बताऊं हमें रहना चाहिए यहीं पर लेकिन बताने के लिए एक व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए कि मूल मकसद क्या है मूल मकसद यह है कि आपको बताया जाए समझाया जाए जिस काम के लिए आए वह किया जाए न कि कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग की जाए ठीक है ना वह भी होना चाहिए लेकिन वही नहीं होना चाहिए बात क्लियर हुई और इसको किस सिद्धांत से जोड़ा था और के समझ गए तो आप यहीं से शुरू कर दो उत्तर यहां से जब उत्तर लिखोगे तो पहले क्या लिख दो और का विचार जो अभी आपके सामने रखा था मैं और का विचार रखोगे अरस्तु के विचार में किसके सॉरी अरस्तु के विचार लिखोगे यहां पर और अरस्तु के विचार में सबसे पहले किसके बारे में लिखोगे सबसे पहले रूप रूप क्या होता है और उसके बाद सार क्या होता है लिख लोगे ना अभी बताया था रूप और सार में क्या अंतर है तो रूप लिख दो सार लिख दो और उसके बाद प्रश्न के सामने आ जाओ कि एक लोक सेवक का मकसद या उद्देश्य क्या होना चाहिए या लिखना शुरू कर दो और क्या क्या देना होगा आपको उदाहरण देना होगा क्या उदाहरण देना होगा कि पहली चीज क्या होनी चाहिए सेवा भाव होनी चाहिए ठीक है ना पहले क्या होना चाहिए सेवा भाव होना चाहिए दूसरा क्या होना चाहिए कि लाल फिताशाही मशीनीकृत व्यवहार को छोड़कर मानवता के प्रति समर्पित होना चाहिए तीसरा क्या होना चाहिए किताबी भाषा में बोल दे रहा हूं जितने भी आधारभूत मूल्य हैं जो आपके सिलेबस में लिखे गए हैं वो सारे आधारभूत मूल्य लोक सेवक में होने चाहिए यानी दया करुणा समानुभूति ये सब होनी चाहिए अगर वह नहीं होती है कानून के अनुसार पालन भी होता है तो उससे संतुष्टि प्राप्त होगी नहीं होगी ठीक है ना तो ये सारा उदाहरण देते हुए आप अपना उत्तर लिखने की कोशिश करोगे तो इसमें तीन तरह का न्याय बताया था याद होगा कौन कौन सा न्याय बताया था संरचनात्मक न्याय प्रक्रियात्मक न्याय और उद्देश्यात्मक न्याय तीनों न्याय लिख दोगे दो अलग अलग पैराग्राफ में और आपका उत्तर यहां पर कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब पांच ए में आते हैं आचार संहिता बहुत ही सीधा सवाल है ये आचार संहिता और नैतिक संहिता लोक प्रशासन में मार्गदर्शन के स्रोत हैं आचार संहिता पहले से ही क्रियान्वित है जबकि नैतिक संहिता अभी तक लागू होना बाकी है शासन में सत्य निष्ठा ईमानदारी अब ये देखो ये कहां से है ये नीति शास्त्र में होगा या कानून में होगा ये नीति शास्त्र में होगा ये कानून में नहीं हो सकता कि मैं सत्यनिष्ठ हूं कि नहीं हूं ईमानदार हूं कि नहीं हूं ये तो मैं ही बता सकता हूं ना ठीक है ना क्या बता सकते हो नहीं बता सकते हो तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी कितना पारदर्शी हूं कितना पारदर्शी नहीं हो तो मैं जानता हूं ठीक है ना मुझे मालूम है कि हमें कितना बताया और कितना छोड़ दिया आपको क्या पता हाँ कह रहा है सर तो ठीक <laughs> है ना तो सारा बताया हूं जितना आता है तो सत्य निष्ठा ईमानदारी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त क्या होना चाहिए नैतिक संहिता होनी चाहिए अब यहीं से उत्तर अगर आप एक मिनट में सोच लोगे कि नैतिक संहिता कभी भी कानून का मोहताज नहीं होती है नैतिक संहिता हमेशा रहती है और नैतिक संहिता जब लिख दी जाएगी तो वह फिर कानून हो जाएगी ठीक है ना फिर भी बोला जा रहा है कि नैतिक संहिता होनी चाहिए अब यह नैतिक संहिता क्यों होनी चाहिए यह जान लो फिर इसके आधार जो है वो मैं बता दूंगा नैतिक संहिता होनी क्यों चाहिए तीन तरह के लोग होते हैं क्या बोला मैं कितने तरह के लोग होते हैं तीन तरह के लोग होते हैं तीन तरह के कौन कौन से लोग होते हैं एक अनपढ़ एक कुपढ़ और एक पढ़े लिखे क्या क्या बोला जी अनपढ़ कुपढ़ और पढ़े लिखे इसमें सबसे खतरनाक कौन है कुपढ़ अनपढ़ है उसको पता नहीं कैसे व्यवहार करना चाहिए जो पढ़ा लिखा है वो जानता है वो करता है जो कूपड़ है वो जानता है कि कैसे करना चाहिए लेकिन करता नहीं है सबसे खतरनाक तो नीति शास्त्र लिखने को कहा जा रहा है इसलिए नहीं कि उसका पालन करने लगोगे लिखने को इसलिए कहा जा रहा है ताकि वो यह ना कहे कि पता नहीं था बस इतना ही है समझ गया ना बाकी सोचना तो आपको है आपके माता पिता घर से निकलते होंगे तो बोलेंगे ठीक से रहना गलत संगत में मत पड़ना तो आप नहीं पढ़ोगे लेकिन वो कहने की स्थिति है कि हमने कहा था अन्यथा वो भी जानते हैं कि आपका कर्म कैसा होगा ठीक है ना हाँ <laughs> आप उनको गलत सिद्ध कर दो अलग बात है आप उनको गलत सिद्ध कर दो अलग बात है लेकिन फिर भी वो बता देते हैं है ना वो बता देते हैं कि ऐसे करना चाहिए तो ये पूरा प्रश्न उसी के आधार पर है और इसका उत्तर बहुत ही सरल है जब आप यहां उत्तर लिखोगे तो सबसे पहले आचार संहिता के बारे में लिख दो आचार संहिता औपचारिक दस्तावेज है ठीक है ना आचार संहिता औपचारिक दस्तावेज है जिसे विधिक मान्यता प्राप्त होती है जिसे विधिक मान्यता प्राप्त होती है और वह सेवा के उद्देश्य सेवा की प्रक्रिया और सेवा के वातावरण को ध्यान में रखकर लिखी जाती है ठीक है ना उस आचार संहिता के माध्यम से बदल रहा हूं मैं उस आचार संहिता के माध्यम से व्यक्ति की व्यापक या विस्तृत जवाबदेही सुनिश्चित होती है मैक्रो अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित होती है लेकिन माइक्रो अकाउंटेबिलिटी यानी सूक्ष्म जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दूसरी संहिता की आवश्यकता है वह संहिता क्या है नैतिक संहिता देखिए बदला और लिंक भी कर दिया दूसरी संहिता की जरूरत है और वह दूसरी संहिता है कौन सी नैतिक संहिता और नैतिक संहिता अभी तक लागू नहीं हो पाई है क्योंकि व्यवहारात्मक बदलाव तत्काल प्रभाव से नहीं होता है ठीक है ना सबसे ज्यादा सुधार का समय कौन लेता है व्यवहारात्मक सुधार का समय लेता है ठीक है ना हमारे देश में नैतिक आचार संहिता के लिए उन्नीस से ही कोशिश चल रही है लेकिन नैतिक आचार संहिता हम नहीं बना पाए हैं उस नैतिक आचार संहिता में दो तरह के मूल्य होते हैं और दो तरह के मूल्य को हम कहते हैं कॉगनेटिव वैल्यू और इमोटिव वैल्यू कॉग्निटिव वैल्यू और इमोटिव वैल्यू का मतलब होता है भावनात्मक मूल्य और संज्ञानात्मक मूल्य भावनात्मक मूल्य का मतलब होता है कि आप पिता तुल्य भावना विकसित करें कि मेरे सुपरिटेंडेंट और पुलिस रहते हुए किसी महिला का बलात्कार हो गया तो मेरे रहने का लानत है मैं किस काम का कि मेरे जीवन जीते जी मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी का बलात्कार हो गया मेरे आंखों के सामने मेरे क्षेत्र में रहने वाले लोग भूखे मर गए और मैं यहां पर वेतन ले रहा हूं ये इसको बोलते हैं इमोटिव वैल्यू यह भावना व्यक्ति में विकसित होनी चाहिए व्यक्ति में वह संज्ञानात्मक भावना विकसित होनी चाहिए वह संज्ञानात्मक भावना यह है कि जब एक महीने के बाद वह वेतन प्राप्त करता हो तो वह अपने आप से पूछे कि मैं इस वेतन का हकदार हूं मैंने एक महीने में उस समाज के लिए क्या किया है जिससे कि एक तारीख और इकतीस तारीख में उसके जीवन में बदलाव आ गया अगर बदलाव नहीं आया तो मैं यह वेतन क्यों ले रहा हूं यह नैतिकता होनी चाहिए नैतिकता यह होनी चाहिए कि देश में अगर एक करोड़ लोग काम करते हैं और एक करोड़ मिनट लेट आते हो एक करोड़ मिनट पहले चले जाते हो तो दो करोड़ मिनट प्रतिदिन का जो नुकसान है वह देश कहां से भरेगा नैतिकता इसको कहते हैं कि वह दो करोड़ मिनट प्रतिदिन का नुकसान देश कहां से झेलेगा और तब समझिए कि तीन दिनों में देश का समय जितना नुकसान हुआ जितना बर्बाद हुआ उसका वेतन आपको दिया गया उस वेतन को ले, लेने का नैतिक अधिकार आपके पास है क्या यह नैतिक आचार संहिता होती है क्योंकि आपको मिलने वाला वेतन एक भिखारी का भी पैसा उसमें होता है जो जीएसटी देता है कोई सामान खरीदने का उस भिखारी के पैसे से आया हुआ राजस्व आपके वेतन के रूप में जाता है यह समझने की कोशिश करना है यह नैतिक आचार संहिता में होती है। और जहां पर भी नैतिक आचार संहिता होगी वहां पर लोक सेवा के प्रति समर्पण होगा अब देखो यहां पर पूछा गया है कि एक उपयुक्त आदर्श नैतिक आचार संहिता क्या होगी तो क्यों होगी यह तो बता दिया अभी डेढ़ सौ शब्दों में लिखना है अब आपको बताना है कि उपयुक्त आदर्श आचार संहिता क्या होगी उसमें पहली चीज जो होगी वह यह कि सेवा के प्रति संपूर्ण समर्पण के तत्व क्या होगा इसमें पहला सेवा के प्रति संपूर्ण समर्पण का तत्व और ये जो मैं बोल रहा हूं ये किताबों में पढ़ोगे तो अमेरिकी लोक प्रशासन संस्था की बात है ये जो सुझाव दिया गया है ये किसने दिया है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको उसका नाम नहीं लिखना है आपको जो विचार है वह लिखना है और पहला विचार दिया गया कि आदर्श नैतिक आचार संहिता तब होगी जब आप सेवा के प्रति संपूर्ण समर्पण को सुनिश्चित करने का प्रावधान दोगे पहला सेवा के प्रति संपूर्ण समर्पण सुनिश्चित करने का प्रावधान संविधान और संवैधानिक मूल्यों के प्रति संपूर्ण समर्पण संविधान और संवैधानिक मूल्यों के प्रति संपूर्ण समर्पण तीसरा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा सूचिता और समानुभूति का उच्चतम स्तरीय प्रदर्शन व्यक्तिगत सूचिता सत्यनिष्ठा और समानुभूति का उच्चतम स्तरीय प्रस्तुतिकरण और पेशेवर योग्यता के साथ गुणात्मक जीवन देने के प्रति प्रतिबद्धता पेशेवर योग्यता के साथ गुणात्मक जीवन देन, देने के प्रति प्रतिबद्धता पैराग्राफ बदल देंगे और फिर लिखेंगे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2007 और नोलान समिति उन्नीस सौ नोलान समिति उन्नीस द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए क्या सुझाव थे निस्वार्थ भाव से काम करना पारदर्शिता के साथ काम करना खुलेपन के साथ काम करना सत्यनिष्ठा के साथ काम करना आप लोग नौलान समिति लिख लो घर में मिल जाएगा कि क्या क्या है सात विचार दिए गए हैं ठीक है ना केवल यहां यह समझो कि हमें लिखना क्या है तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के विचार अब आपको दिख रहा होगा 2007 में यह आया नौलान समिति तो चौरानवे की है हमने पहले भारत का लिखा कहां पूछ रहा है ये भारत में तो 2007 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का सुझाव और उन्नीस के ब्रिटेन के नौलान समिति के सुझावों के आधार पर उपरुक्त को ध्यान में रखते हुए उपरुक्त जो चार पांच बातें लिखी उपरुक्त को ध्यान में रखते हुए एक आदर्श नैतिक संहिता का विकास किया जा सकता है ठीक है ना यही तो प्रश्न पूछा है आपका उत्तर पूर्ण हो जाएगा बात क्लियर हुआ अब आते हैं पांच बी में यह प्रश्न कितना सरल है कितना कठिन है यह इस बात पर निर्भर करता है कि पेपर टू और पेपर फोर में कोई अंतर नहीं पेपर टू और पेपर फोर में कोई अंतर नहीं है यह पेपर टू का मुद्दा था पूछा गया है पेपर फोर में और पेपर फोर का मुद्दा पूछा गया है पेपर टू में सत्यनिष्ठा ठीक है ना तो यहां पूछा गया है कि नए कानून भारतीय न्याय संहिता की आत्मा भारतीय संस्कृति और लोकाचार पर आधारित न्याय समानता और निष्पक्षता है वर्तमान न्यायिक प्रणाली में दंड के सिद्धांत से न्याय दंड के सिद्धांत से न्याय की ओर बढ़े बदलाव के आलोक में इस पर चर्चा कीजिए तो आपका प्रश्न यहां पर है कि दंड से क्या बदलाव हुआ है न्याय की ओर बढ़ता हुआ कदम ठीक है तो अब आपको यहां समझना है दो चार बातें कि यह जो नया प्रावधान है यह नया प्रावधान किस तरह से है और किस रूप में है यह आपको थोड़ा सा जानना है लिख दिया गया नए कानून की आत्मा भारतीय संस्कृति ठीक है ना अब यहां से आपको शुरू करना है लेकिन अपने उत्तर में बता देना है कि भारतीय संस्कृति उन्नीस के सीआरपीसी में भी थी ये गलत दृष्टिकोण है पूरा का पूरा कानून जो हमने बदला है वह कानून ब्रिटिश विरासत नहीं है आईपी के सी के साथ साथ, साथ सीआरपीसी भी था जिसको भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कहते हैं आज यह 1973 में बना था यह पहले का नहीं था ये मालूम है आप लोगों को कि जो सीआरपीसी था ये कब बना 1973 में तो भारतीय संस्कृति का विरोध नहीं हुआ था संसद नहीं बनाया था इसलिए भारतीय संस्कृति जो है वो मनुवाद का भी भारतीय संस्कृति है यह ध्यान में रखिएगा भारत की संस्कृति केवल उन्नीस के बाद तो नहीं आई है भारत की संस्कृति ऐतिहासिक संस्कृति है और उस संस्कृति में मनुवाद भी है उस संस्कृति में मुगल साम्राज्य का सामंतवाद भी है उस साम्राज्य उस संस्कृति में ब्रिटिश का योगदान भी है ठीक है ना तो भारतीय संस्कृति जो हमारी है वह सभी का मिलन है और मिश्रण है यह स्पष्ट कीजिएगा अब यहां पर जब हम उत्तर लिखना शुरू करेंगे तो आपको सबसे पहले यह बताना है कि जो नया कानून है वह समय के सापेक्ष में आधुनिक स्वरूप प्राप्त किया है रिपीट कर रहा हूं नया कानून भारतीय न्यायिक व्यवस्था को एक आधुनिक स्वरूप देने में कामयाब हुआ कौन सा स्वरूप आधुनिक स्वरूप ताकि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे ठीक है ना ताकि उसकी प्रासंगिकता बनी रहे और उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए हमने मौजूदा समय में जुलाई 2024 में लागू किए गए न्याय प्रणाली में न्याय के सिद्धांत से दंड के सिद्धांत से कहां की ओर प्रस्थान किया लाइन मिल गई ना अब प्रस्थान किया कैसे प्रस्थान किया प्रस्थान नंबर एक लाइन मिल गई ना प्रस्थान नंबर एक क्या सामुदायिक सेवा पढ़े होंगे आप लोग या जानते होंगे पहला क्या है इसमें सामुदायिक सेवा अब अगर आप लोगों ने पढ़ा हो याद हो तो सामुदायिक सेवा जो है वह धारा चार एफ में लिखी गई है अगर आप धाराओं को लिखते हैं तो ज्यादा उत्तम रहेगा धारा चार एफ में सामुदायिक सेवा की चर्चा की गई है ठीक है भारतीय न्याय संहिता की धारा चार एफ में ठीक और देखो मैं पहले कौन सी संहिता आपके साथ पढ़ रहा हूं भारतीय न्याय संहिता यहां पर कितनी संहिता है तीन है तो पहले भारतीय न्याय संहिता के तीन दो तीन पॉइंट लिख दो भारतीय न्याय संहिता ठीक है ना और भारतीय न्याय संहिता में सबसे पहले लिख दो सामुदायिक सेवा यानी दंड देने के स्थान पर हम क्या करने का प्रयास कर रहे हैं सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर यह जानकारी हो तो लिख देना कि 16 ऐसे कम गंभीर प्रकृति के अपराध खोजे गए हैं जिनको हम सामुदायिक सेवा के दायरे में लेकर आते हैं साथ में लिख देना परंतु सामुदायिक सेवा की परिभाषा न होने के कारण स्पष्टता का भाव है ठीक है ना क्योंकि कानून में सामुदायिक सेवा की कोई परिभाषा नहीं दी गई है सामुदायिक सेवा का प्रावधान तो दिया गया है लेकिन सामुदायिक सेवा की कोई परिभाषा नहीं दी गई है ठीक है ना दूसरी चीज आप लिख दें यहां पर लिंग समानता पर बल दिया गया है ठीक है जेंडर न्यूट्रलिटी भी बोलते हैं इसको जेंडर न्यूट्रलिटी पर बल दिया गया है ठीक है और जेंडर न्यूट्रलिटी पर बल देकर के सभी वर्ग के लोगों को चाहे वह पुरुष हो या इस हो सभी को एक समान स्वरूप से समान रूप से देखने की कोशिश की गई है अभी आपने सुना होगा सर्वोच्च न्यायालय ने, ने कहा कि भारत में महिलाएं जो है यहां पर बुरा मत मानना भारत में धारा चार सौ अंठानबे ए का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया है धारा चार सौ अंठानबे ए का सर्वाधिक दुरुपयोग किया गया है महिलाओं ने उसका भरपूर दुरुपयोग किया है और लोगों को फंसाने की या प्रभावित करने की कोशिश की है तो यहां पर हमारी यह कोशिश रही है कि हम जेंडर न्यूट्रलिटी को समर्थन दें और जेंडर न्यूट्रलिटी को समर्थन देने के साथ साथ आप देखेगा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में यह भी कहा गया कि आप सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके जीरो एफआईआर भी लागू कर सकते हो सुना होगा आप लोगों ने जीरो एफआईआर आई दर्ज कराने सकते हैं यानी जीरो एफआईआर के माध्यम से महिलाओं को न्याय देने की कोशिश इसके माध्यम से की गई है ठीक है ना तो जीरो एफआईआर से क्या होगा कि हम कानून को कम बल्कि समस्या को ज्यादा ध्यान में रखेंगे ठीक है ना कानून को कम समस्या को या जो जो मूल केंद्र बिंदु है उसको समझने में हम कामयाब होंगे तीसरा जो है आप बी एन एस अगर पढ़ेंगे या भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम सुरक्षा संहिता तो उसमें गवाह संरक्षण योजना भी है लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो गवाह संरक्षण योजना ठीक है ना बी एन एस की धारा है तीन सौ गवाह संरक्षण योजना ठीक है गवाह संरक्षण योजना इस पर बल देने की कोशिश की गई है इसके अलावा देखिए कि कोशिश की गई जो बी एन बीएनएसएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम इसकी धारा है एक इसकी धारा है एक जो पीड़ित केंद्रित है जो पीड़ित केंद्रित है और एक सौ यह भी पीड़ित केंद्रित है पीड़ित केंद्रित कैसे होता है यह बता दे रहा हूं कि यहां पर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति शिकायत दर्ज कराता है उसको न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए लेकिन न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि न्याय की अनुभूति भी हो तो वह न्याय की अनुभूति कैसे होगी अगर ये एफ दर्ज करते हैं तो इनका एक न्याय का हिस्सा यह भी होता है कि उस एफ पर कितना काम हुआ इसके बारे में इनको जानकारी मिलती रहे तो यहां पर अभी जो बी एन एस एस आया उसमें यह भी बोला गया है कि इनको एक निर्धारित समय पर जानकारी देने की जिम्मेदारी है ठीक है पुलिस का यह कर्तव्य होगा कि एफ आई आर करने वालों को जानकारी प्राप्त हो एक निर्धारित समय के भीतर ठीक है ना इसके अलावा इस संहिता में यह लिखा गया कि महिलाओं से जब भी जांच पड़ताल होगी जब भी जांच की जाएगी पूछताछ की जाएगी गवाही ली जाएगी तो महिला मजिस्ट्रेट के सामने होनी चाहिए और अगर महिला मजिस्ट्रेट नहीं मौजूद है तो महिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो भी नियुक्त मनोनीत व्यक्ति होगा नॉमिनेटेड होगा उसके सामने ली जानी चाहिए ठीक है ना तो इस तरह से जो भारतीय समाज का मानवीय तत्व तो है उसको यहां पर ध्यान में रखा गया है इसी तरह से सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से पहले जाना जाता था उस साक्ष्य अधिनियम में हमने बदलाव लाया है और बदलाव ला करके मानवता के तत्व तो क्या दिए कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात कर सकते हैं ठीक है ना ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है अर्थात बार बार आने की जरूरत नहीं है इससे आपका केवल कार्य बोझ ही नहीं बढ़ता है बल्कि एक अतिरिक्त श्रम साध्य व्यवस्था हो जाती है कि आपके लिए यह आवश्यक होगा कि आप आ करके अपना विचार रखने का प्रयास करें अपना मत रखने का प्रयास करें तो यह सारी चीजें हमने बदली है सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक और भी सुझाव दिया जाता है और आप लोगों को अगर मिला होगा तो आप उसको पढ़िएगा लेकिन मैं उसके और भी पहलू बता दे रहा हूं लिखा हुआ है कि हमने आईपीसी की धारा 124 ए को हटा दिया है यानी सेडिशन जो राजद्रोह का मामला था उसको हटा दिया है लेकिन यह भूलने की जरूरत नहीं है कि एक को लाभ भी दिया है ठीक है ना और 124 सौ ए में तीन वर्ष की सजा थी एक में सात वर्ष की सजा है न्यूनतम तो कुछ जगहों पर लिखा हुआ है कि हमने सेडिशन वाला मामला हटा दिया है लेकिन शब्द हटा करके उससे कठोर प्रावधान दिया भी है इतना ही नहीं अब ये निष्कर्ष में लिखोगे कि हालांकि यह कोशिश की गई है कि दंड के स्थान सिद्धांत से हम कहां जाएं न्याय की ओर परंतु अब निष्कर्ष दे रहा हूं परंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद इक्कीस के तहत सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ जाते हुए पुलिस को यह शक्ति दे दी गई है कि वह हथकड़ी पहना सकता है समझ गए उत्तर देना है कि पुलिस को यह अधिकार दिया जाता है कि वह हथकड़ी पहना दे सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद तहत कहा था पहनाने का अधिकार पुलिस को नहीं है वह मजिस्ट्रेट की इजाजत से हथकड़ी पहना सकता है अब क्या हुआ कि पुलिस अपनी मर्जी से हथकड़ी पहना सकती है तो कुछ इसके नकारात्मक पहलू भी हैं हालांकि यह कदम हमने बढ़ाया है और देखिए क्या लिखा हुआ है चर्चा कीजिए इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि निगेटिव बात नहीं की जाती है चर्चा में क्या होता है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बातें की जाती है ठीक है ना तो आप इसके बारे में इस तरह से लिख सकते हो ठीक है क्लियर हुआ कैसे बांटना होगा पहले भारतीय न्याय संहिता के बारे में लिखो दूसरे नंबर पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में और तीसरे नंबर पे भारतीय अधिनियम तो तीन भाग हो गए ना तीन भाग में दो दो तीन तीन पॉइंट भी लिखोगे तो आपका डेढ़ सौ शब्द पूरा हो जाएगा ठीक है छ नंबर भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली में लैंगिक अस्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में से सार्वजनिक सेवाओं में महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ी है बढ़ रही है महिला लोक सेवकों के सामने आने वाली लैंगिक विशिष्ट चुनौतियों का परीक्षण कीजिए और अपने कर्तव्य निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने तथा और ईमानदारी के उच्च मानक को बनाए रखने के लिए उपयुक्त सुझाव दीजिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने ठीक है किसकी दक्षता बढ़ानी है उनकी और किसका कर्तव्य है उन्हीं का कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी दक्षता बढ़ाने यानी जो काम करने को दिया गया है उस काम को कितनी दक्षता से कर पाएंगे उसके लिए आप सुझाव दीजिए ठीक है तो यहां पर आप कैसे लिखना शुरू करोगे प्रश्न में ही दिया हुआ है कि विगत वर्षों में महिलाओं की का प्रतिनिधित्व तो समय के साथ क्या हुआ है बढ़ा है वही लिखोगे समय के साथ बढ़ा है लेकिन सेवा में प्रतिनिधित्व तो बढ़ने के बावजूद अनेक समस्याओं का सामना इनको करना पड़ रहा है अब कौन कौन सी समस्या है पहला मुद्दा लिखो पितृ सत्तात्मक मानसिकता पित्र सत्तात्मक मानसिकता सामाजिक मान्यताएं सार्वजनिक कार्य एवं व्यक्तिगत कार्य के बीच संतुलन की समस्या ठीक है ना अब देखो ये तीन बातें अभी आपके सामने रखी मैंने महिलाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है लेकिन महिलाएं काम नहीं कर सकती ये मानसिकता है महिलाएं योग्य नहीं होती महिलाएं मजबूत नहीं होती हैं मजबूत मतलब दिमाग से मजबूत नहीं होती रोने लगती रोने का अधिकार उनको है, कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकती परिणाम स्वरूप आईएएस में टॉप होने के बाद भी आज भारत की लोक सेवा में औसतन या लगभग दस प्रतिशत महिलाएं ही सचिव के पद पर है दस प्रतिशत ये लगभग बोल रहा हूं दस प्रतिशत महिलाएं हैं जो सचिव पद तक पहुंच रही या तो नौकरी छोड़ दे रही हैं, या उन्हें उस योग्य नहीं माना जा रहा परिणाम स्वरूप पदोन्नति नहीं मिल रही आपको कहीं पर आपने पढ़ा होगा एनी नागराजन बनाम भारत संकेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद दो साल तक पदोन्नति नहीं मिली उस महिला को सेना में जब सर्वोच्च न्यायालय ने चेतावनी दी तब जाकर उसको पदोन्नति मिली यह मानसिकता देश में सामाजिक मान्यता यह है कि महिलाओं को घर में रहना है उन्हें बाहर नहीं जाना है उन्हें घरेलू जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है अगर वो चली भी जाती हैं, तो सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बीच में संतुलन स्थापित करना है वर्क लाइफ बैलेंस करने की जरूरत है वहां की भी जिम्मेदारी निभानी है और घर में आकर चाय भी देने की जिम्मेदारी है बच्चों का पैम्पर और हगी भी बदलना है नेपकिन भी बदलना है यह उनकी जिम्मेदारी है बच्चों की सही तरीके से परवरिश हो या उनकी जिम्मेदारी है उन दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करने की चुनौती उनके पास है तो केवल भारतीय संविधान के अनुच्छेद चौदह में पंद्रह में सोलह में यह दे देने से कि क्या हो गया है लैंगिक स्मिता के बावजूद समान अवसर प्रदान किए गए हैं ये अवसर प्रदान किए गए हैं मिले हैं कि नहीं अंतर है ना अवसर प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद चौदह पंद्रह सोलह में देखिए अनुच्छेद से जोड़ दिया अनुच्छेद चौदह पंद्रह सोलह में अवसर प्रदान किए गए हैं फॉर्म भर सकते हो परीक्षा दे सकते हो पास भी हो सकते हो लिंग के आधार पर रोका नहीं जाएगा लेकिन लेकिन आपको फील्ड वर्क नहीं दिया जाएगा या मानते हुए कि आप उस योग्य नहीं हो आपको जेल का आईजी बना दिया जाएगा लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का आईजी नहीं बना जाएगा क्योंकि वहां बैठ करके आप कार्यालय में बैठे रहो आप आईजी बनने लायक नहीं हो कानून व्यवस्था संभालने की स्थिति में नहीं यह योग्यता आप में नहीं है ऐसा हम मानकर चलते हैं तो समस्या यह तीनों है और इसी का समाधान क्या करना है अब पैराग्राफ बदलेंगे कि बावजूद इसके संविधान के अनुच्छेद तेरह चौदह पंद्रह में चौदह पंद्रह सोलह में प्रदान तो किया गया है लेकिन चूंकि मानसिकता नहीं बदली है अतः निम्नलिखित सुझाव दिए जाएंगे लिंक बन रहा है ना क्या क्या सुझाव दिए जाएंगे लिख लो अगर लिखना हो तो निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं इसमें पहला सुझाव होगा कि संस्थात्मक समर्थन संस्थात्मक समर्थन यानी ये संगठन में है उस संगठन का समर्थन संस्थात्मक समर्थन और पदोन्नति की व्यवस्था दूसरा लैंगिक लें, संवेदनशीलता विकसित करना लैंगिक संवेदनशीलता जेंडर सेंसिटाइजेशन लैंगिक संवेदनशीलता विकसित करना और तीसरा सार्वजनिक कर्तव्य एवं पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन स्थापित करने का सार्वजनिक कर्तव्य एवं पारिवारिक कर्तव्य के बीच संतुलन स्थापित करने का उचित माहौल विकसित करना उचित माहौल विकसित करने का मतलब क्या होगा वर्क फ्रॉम होम होगा उचित माहौल विकसित करने का मतलब कि यहां पर वो कार्य करती है वहां शिशु गृह बनाने की जिसको क्रेच बोलते हैं क्रेच बनाने की सुविधा या फिर कार्य माहौल विकसित करने का मतलब होता है फ्लेक्सी मॉडल देना फ्लेक्सी मॉडल क्या है भारत के छठवें वेतन आयोग और सातवें वेतन आयोग में बताया गया था कि जो महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं दूध पिलाने के लिए उनके पास फ्लेक्सी मॉडल होना चाहिए यानी जब वो चाहे तब जा सकती हैं और फिर वापस आकर के अपनी सेवा में रह सकती हैं तो इस तरह का माहौल विकसित करने की कोशिश हमें करनी चाहिए और अगर हम ऐसा माहौल विकसित करते हैं तो वे अपनी दक्षता बढ़ाने में और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कामयाब हो सकती हैं, ठीक है ना और जहां पर जेंडर सेंसिटाइजेशन बोला वहां पर मानसिक दृष्टिकोण परिवर्तित करने की कोशिश है कि एक महिला हमें कैसे आदेश दे सकती है वो महिला आदेश नहीं दे रही है आदेश पद दे रहा है तो दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है।, है ना ये पुरुष समाज तनाव में रहता है कि संगठन में भी महिला का आदेश और हाँ देखो कितना अनुभव है तो एकदम अनुभव छलक रहा है आ? कौन कल्चर तो इससे क्या होगा चलो अब देखो ये अंतिम सवाल है क्या लिखा हुआ है इसमें मिशन कर्म योगी का लक्ष्य अब अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो एक प्रश्न पहले ही आया था जहां पर मैंने चर्चा कर दी थी मिशन कर्म योगी का अब क्या लक्ष्य है नागरिकों की सेवा करना देखो फॉर्म और सब्सटेंस आ गया ना एक ही साल के प्रश्न में दो प्रश्न मिलते जुलते हैं और इसमें यह कहा जा रहा है कि आप क्या करें सेवा करने की कुशलता सुनिश्चित करना और बदले में खुद का विकास करने के लिए आचरण और व्यवहार का एक बहुत ही उच्च मानक बनाए रखना है ठीक है ना यह योजना कैसे सिविल सेवकों को उत्पादक दक्षता बढ़ाने और जमीनी स्तर पर सेवा प्रदान करने में सशक्त बनाएगी बहुत सारा उत्तर आपको पहले ही मिल चुका है कि हमें सेवा देने के लिए आना है कानून का पालन करने के लिए नहीं और सेवा देने वाला व्यक्ति जो है वह सबसे पहले अपनी मानकता को बनाए रखे ठीक है कभी कभी पूछा जाता है आपसे अब यहां तो उतना समय नहीं है कभी कभी पूछा जाता है उत्तर मत देना मैं ही दे दूंगा कि आप लोगों को जो सामने से पढ़ा रहे होते हैं उन पर पूर्ण विश्वास होता है झूठ मत बोलो जो जो सामने से पढ़ा रहा होता है उस पर पूर्ण विश्वास नहीं होता है कैसे नहीं होता है, मैं साधारण उत्तर दे दे रहा हूं कुछ तो बच्चे आते हैं पूरा सिलेबस लेकर के ये पढ़ाया ये भी पढ़ा दिया टिक मारते हैं पढ़ाया होता है कि नहीं और उसके बाद देखते हैं ठीक से पढ़ाया कि नहीं वो फिर गूगल खोजते हैं कुछ दिन तक तो किताब से ही तुलना करते रहते हैं कि ग्रंथ में हमारे लिखा हुआ है कि नहीं दस दिन के बाद पता चलता है यहां पर लिखा नहीं है इसका मतलब भी ठीक पढ़ा रहा होगा तब ध्यान देना शुरू करते हैं लेकिन सोचो कि एक ढाबे में जाते हो जूठा पानी पिला रहा है कि नहीं पिला रहा उस पर सवाल नहीं पूछते हो आप समझते हो बहुत साफ सुथरा पानी ही दे रहा है देखो नैतिकता का पतन अब तो क्लास के बाद आपका पोस्टमार्टम करूंगा आप भूल गए कि मैं कौन हूं मरने की स्थिति में हो मरने वाले हो नहीं ना बस अभी थोड़ी देर के बाद तो यहां पर बहुत सरलता से आपको ये बात समझनी थी कि यह प्रश्न पूछा गया है यह प्रश्न मिशन कर्म योगी का प्रश्न है और मिशन कर्म योगी में नाम से स्पष्ट है कि यहां पर काम के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को सुनिश्चित किया गया है और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की का एक अमूल्य योगदान इसको हम हम लोग कह सकते हैं और यह अमूल्य योगदान भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन कर्म योगी जब दिया तो उन्होंने यह साफ शब्दों में कहा कि हमें यह कोशिश करनी है कि नियम आधारित होने के बजाय हम सेवा आधारित हों क्या बोला गया नियम आधारित होने के बजाय अगर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं नियम आधारित होने के बजाय हमें सेवा आधारित होने की आवश्यकता है दूसरा कार्यस्थल पर ज्ञान और कार्यस्थल के बाहर के ज्ञान को जोड़ने पर बल देने की आवश्यकता है तीसरा सिद्धांत और व्यवहार के बीच में संतुलन स्थापित करें तीसरा सिद्धांत और व्यवहार के बीच में संतुलन स्थापित करें चौथा उत्तम प्रशिक्षण उत्तम प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी उत्पादक दक्षता और प्रभावशीलता में अपनी उत्पादक दक्षता एवं प्रभावशीलता में निरंतर विकास का प्रयास करें चौथा स्व विकास पर ध्यान देते हुए स्व विकास पर ध्यान देते हुए अपनी नैतिक मूल्यों का निरंतर संवर्धन करें अपने नैतिक मूल्यों का निरंतर संवर्धन करें ताकि सुशासन और नैतिक अभिशासन की प्राप्ति हो सके सुशासन और नैतिक अभिशासन की प्राप्ति हो सके पर बदल दीजिए प्रधानमंत्री ने मिशन कर्म योगी के तहत सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने और जवाबदेही तथा तो पारदर्शिता जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाकर जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ाकर जमीनी स्तर पर लोक सेवा आपूर्ति को सशक्त करने लोक सेवा आपूर्ति को सशक्त करने पर बल दिया यही है ना तो इस तरह से आप प्रश्न को शामिल करते हुए मिशन कर्म योगी के बारे में लिख सकते हैं ठीक है तो जो भी प्रश्न हमारे साथ आपको चर्चा करनी थी वह सारे प्रश्न हमने आपके साथ चर्चा कर लिए बचे हुए जो प्रश्न हैं या केस स्टडी है उसकी चर्चा कोई और आपको मिलेंगे जब भी समय दिया जाएगा तो उस समय वो चर्चा होगी है ना ह ये मुझे नहीं पता भोजन कर लीजिए सोचिए विद्यार्थी के ये लक्षण हैं अपने को विद्यार्थी कहते हैं स्कूल से लेकर अभी तक यही संस्कार दिया गया है इसीलिए विद्या की अर्थी कहा जा रहा है ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए कि क्लास के भीतर भोजन करें इनको लग रहा होगा कि पैसा दिए हैं कुछ भी कर सकते हैं हम तो ऊपर हो चुके हैं भोजन कर रहे हैं क्लास में धन्यवाद जो हम लोगों ने पढ़ा लाभ हुआ स्वास्थ्य लाभ भी कुछ लोगों को हुआ लेकिन हम लोग कुछ और लाभ के लिए पढ़ रहे थे हुआ है फायदा हुआ तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं और आगे का इंतजार कीजिए कुछ और लोग अपनी सेवा लेकर आएंगे धन्यवाद